हाय गाइस, माय नेम इज नितिश एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज अगेन हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो कवर कर रहे हैं। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, हम लोग मशीन लर्निंग में मूव कर चुके हैं। कल हमने एक क्लास भी करी थी, इट वॉज अ वीडियो रीप्ले, जहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग बहुत डिटेल में पढ़ा। अराउंड 3.5 घंटे का वीडियो था। तो आज से हम लोग हमारा मशीन लर्निंग वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर आर फर्स्ट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। ठीक है, पढ़ने के लिए तो हम वैसे लीनियर रिग्रेशन पढ़ रहे हैं, बट उसका भी हम सबसे सिंपलेस्ट जो वर्जन होता है, जिसको हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन बुलाते हैं, वो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में आप लोग क्या देखने वाले हो? आज के वीडियो में आप सबसे पहले समझोगे कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन होता क्या है। फिर हम पाइथन में जो साइकिट लर्न की लाइब्रेरी है मशीन लर्निंग की, उसको यूज करके सिंपल लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म करेंगे। फिर मैं आपको पूरा का पूरा मैथ्स इस वीडियो में समझाऊंगा कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन काम कैसे करता है। ठीक है, और लास्ट में हम खुद से सिंपल लीनियर रिग्रेशन को कोड करेंगे यूजिंग पाइथन। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज आज के वीडियो में कवर हो रही है और वो है रिग्रेशन मैट्रिक्स। बेसिकली कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जिनको यूज करके आपको पता चलेगा कि आपका एल्गोरिदम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, वीडियो के शुरुआत में मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज अगेन गोइंग टू बी अ वीडियो रीप्ले। वीडियो रीप्ले का मतलब है कि ऑलरेडी मैंने ये वीडियो पहले यूट्यूब पे अपलोड कर रखे थे, अभी बस मैंने उनको एडिट किया है और मर्ज किया है सो दैट एक सेशन में आप इसको देख पाओ। और क्लास मैं इसलिए नहीं ले रहा इस टॉपिक का बिकॉज मैंने आपको रीजन बताया है। मैंने जब इन वीडियोस को देखा तो आई रियलाइज्ड कि इन टॉपिक्स में मैं फिलहाल अभी और कुछ ऐड नहीं कर सकता, ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। तो ये रीप्ले करने का बस रीजन ये है कि अभी ये प्रीमियर होगा और हमारे टीममेट्स चैट में रहेंगे, तो जब भी आपको कोई भी डाउट आए ये वीडियो देखते हुए तो आप उसको पूछ सकते हो और हम आपका लाइव डाउट रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, और बाकी जो भी पेड मेंबर्स हैं उनके लिए हम एक डाउट क्लियरेंस सेशन रख रहे हैं कि अगर इन किसी भी रिकॉर्डेड सेशंस में आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप उसे नोट डाउन कर लो, आपको एक डाउट क्लियरेंस सेशन में आप वो मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरी चीज समझ में आ गई। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, अगर आपने आज से पहले कभी भी मशीन लर्निंग का कोई कोर्स किया होगा या फिर आपने इन जनरल मशीन लर्निंग पढ़ा होगा थोड़े लेवल पर भी, तो आपको पता होगा कि मशीन लर्निंग स्टार्ट करते टाइम सबसे पहला एल्गोरिदम जो लोग पढ़ते हैं वो लीनियर रिग्रेशन ही होता है। ठीक है, तो लीनियर रिग्रेशन क्यों पढ़ा जाता है इसके बारे में आई कैन जस्ट गिव यू वन रीजन, एक्चुअली टू रीजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, लीनियर रिग्रेशन इज वन ऑफ दोज एल्गोरिदम्स व्हिच इज इजी टू अंडरस्टैंड। Easy to understand. बहुत सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स ऐसे हैं जहां पे आप अपना सर पकड़ लोगे कि हो क्या रहा है। मतलब जब आप सपोर्ट वेक्टर मशीन्स पढ़ोगे या फिर आप पीसी आपने देखा था थोड़ा, दोज एल्गोरिदम्स आर लाइक रियली डिफिकल्ट। आप डीप लर्निंग में घुसोगे, दोज एल्गोरिदम्स आर रियली डिफिकल्ट। और सबसे बड़ी बात है कि आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हो कि हो क्या रहा है, समझ ही नहीं आता। बट लीनियर रिग्रेशन इज नॉट वन ऑफ दोज एल्गोरिदम्स, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंट्यूटिव एल्गोरिदम्स। देख करके समझ में आता है मैथमेटिकली क्या हो रहा है। तो दैट्स द फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन कि आप लीनियर रिग्रेशन में जो भी कुछ पढ़ोगे आप देखोगे कि वो सेम चीजें आप आगे और एल्गोरिदम्स में इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो इन अ वे इट्स लाइक दिस फाउंडेशन एल्गोरिदम, जो अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपके आगे का मशीन लर्निंग का जर्नी थोड़ा ईजी हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स लीनियर रिग्रेशन इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑब्वियसली यूजफुल भी है, मतलब काम का तो है ही ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सिंस इट इज सच एन इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम, मैं आपको बहुत डिटेल में लीनियर रिग्रेशन पढ़ाऊंगा और आई विल ट्राई टू कीप थिंग्स सिंपल। मतलब मैं आपको मैथ्स भी पढ़ाऊंगा, नो डाउट अबाउट दैट, बट मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको लीनियर रिग्रेशन का लैंडस्केप समझाता हूँ। मतलब लीनियर रिग्रेशन अगर आपको पढ़ना है तो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बिफोर दैट आई गेस ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि लीनियर रिग्रेशन इज अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। हमने वो चार्ट पढ़ा था टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग में, कि टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग में होता है सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड, राइट। और सुपरवाइज्ड में आपके पास होता है रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम।
तो आई गेस आपको लीनियर रिग्रेशन के नाम से समझ में आ रहा है कि ये रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व करता है। रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने का मतलब है कि आप उन डेटा सेट्स के ऊपर काम करोगे जिनके आउटपुट कॉलम का वैल्यू न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, आई गिव यू सम एग्जांपल्स, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं बस आपको एक रिविजन करा रहा था कि लीनियर रिग्रेशन इज अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। सबसे पहले ये क्लियर हो गया। अब जब आप लीनियर रिग्रेशन पढ़ते हो तो आप तीन अलग अलग टाइप का लीनियर रिग्रेशन पढ़ोगे। सबसे पहला होता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। दूसरा होता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, और जो थर्ड होता है वो होता है आपका पॉलीनोमियल लीनियर रिग्रेशन। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम रेगुलराइजेशन बोलते हैं, और ये रेगुलराइजेशन को यूज करके भी आप थोड़े डिफरेंट लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स क्रिएट करते हो, बट वो आगे की बात है। पहले हम लोग फोकस करने वाले हैं इन तीनों के ऊपर, ठीक है, और एक एक करके पहले देखते हैं कि ये तीनों क्या है। सो सिंपल लीनियर रिग्रेशन नाम से समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल होता है। ये एक ऐसा लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम है जहां पर आपके पास सिर्फ एक इनपुट कॉलम होता है और एक आउटपुट कॉलम होता है। आई कैन गिव यू वन एग्जाम्पल। सो लेट्स से हमारे पास एक डेटा है, एक फोर्थ ईयर के, मतलब एक कॉलेज के फोर्थ ईयर के उन स्टूडेंट्स का जिनका प्लेसमेंट हो गया। अब मेरे पास डेटा जो है वो बस दो कॉलम्स में है। पहला कॉलम है कि बच्चों का सीजीपीए कितना है और दूसरा उनका पैकेज कितने का लगा, मतलब वन वैलिड सीजीपीए, मतलब रो कुड भी, ये एक स्टूडेंट हो सकता है कि इसका सीजीपीए 6.66 है और इसका सैलरी 3.01 है, राइट। तो यहां पर अगर आप देखो तो आपके डेटा में आपके पास सिर्फ दो कॉलम्स हैं, सीजीपीए और पैकेज, और यहां पर जो आपका फर्स्ट कॉलम है सीजीपीए, ये आपका इनपुट कॉलम है, और जो आपका पैकेज है वो आपका आउटपुट कॉलम है। क्यों? क्योंकि आपका पैकेज डिपेंड करता है सीजीपीए के ऊपर। तो अब अगर आपको एक मशीन लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो वो प्रॉब्लम ये हो सकता है कि अगर आपको कोई सीजीपीए बताए तो बेस्ड ऑन दिस डेटा यू हैव टू प्रिडिक्ट उस बंदे का पैकेज कितने का लगेगा। नाउ दिस इज सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, बहुत सिंपल है, और हम लोग आज के वीडियो में कंप्लीटली सिंपल लीनियर रिग्रेशन का बात करेंगे, ठीक है। बट आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि व्हाट इज मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। बहुत सिंपल है, अगर आपके पास एक से ज्यादा इनपुट कॉलम्स हैं तो फिर वो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। आई कैन गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स से सेम सिनेरियो में आपके पास थोड़ा और एडिशनल डेटा है, जैसे कि आपके पास सीजीपीए तो है ही, आपके पास जेंडर भी है कि वो बच्चा लड़का है या लड़की है, उसका 12th का मार्क्स कितना था, ठीक है, और वो कौन से स्टेट से है, और आप उसका पैकेज कितने का लगा। सो अब अगर आप नोटिस करो आपके पास इनपुट में ये चार अलग अलग कॉलम्स हैं, आउटपुट अभी भी सेम है, बट अब अगर आपको एक नया स्टूडेंट मिलता है, आप उससे अगर उसका सीजीपीए पूछते हो, उसका जेंडर पूछते हो, उसका 12th का मार्क्स पूछते हो और वो कौन से स्टेट से, ये पूछते हो, तो अब अगर आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि इसका पैकेज कितने का लगेगा, देन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के ऊपर भी हम लोग काफी फोकस करेंगे, बट फर्स्ट आवर टारगेट इज टू लर्न सिंपल लीनियर रिग्रेशन बहुत अच्छे से, क्योंकि अगर आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन अच्छे से समझ गए तो फिर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में कुछ जान नहीं बचता है, ठीक है। और जो थर्ड टाइप है पॉलीनोमियल लीनियर रिग्रेशन, ये बस अभी मैं आपको इतना इंट्रो दे सकता हूँ कि लीनियर रिग्रेशन जैसा नाम से समझ में आ रहा है, इट जनरली वर्क्स व्हेन योर डेटा इज लीनियर। व्हाट इफ आपका डेटा लीनियर नहीं है, उस केस में आपको पॉलीनोमियल लीनियर रिग्रेशन हेल्प करता है, बट वो आगे का टॉपिक है, ठीक है। अब अगर आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया तो हमारे इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन के पीछे का ज्योमेट्रिक इंट्यूशन समझेंगे कैसे काम करता है, और फिर मैं आपको एक छोटा सा डेटा सेट यूज करके कोड रन करके समझाऊंगा पूरा वर्किंग, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिंपल लीनियर रिग्रेशन के पीछे का कंप्लीट एंड टू एंड मैथ्स बताऊंगा, और हम स्क्रैच से अपना खुद का सिंपल लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इन दो वीडियोस में द एंड गोल इज टू लर्न लीनियर रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन बहुत बढ़िया से, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो चलो गाइस, सिंपल लीनियर रिग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं, और हम एक एग्जांपल के थ्रू सिंपल लीनियर रिग्रेशन समझेंगे। क्योंकि
क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू चीजें थोड़ी ईजी हो जाती हैं। सो हम सेम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि हमारे पास एक किसी कॉलेज का फोर्थ ईयर का उन स्टूडेंट्स का डेटा है जो लोगों का प्लेसमेंट हो गया, और हमारे पास सिर्फ दो कॉलम्स है डेटा में। एक ये बताता है कि उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का CGPA कितना है, और सेकेंड ये बताता है कि लाख्स पर एनम में उसका पैकेज कितने का लगा, ठीक है। और हमारा काम है एक मॉडल बनाना जो कि ऑब्वियसली एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल हो, जो अगर आप उसको CGPA दो तो वो आपको पैकेज बताए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू बिल्ड। अब सोच के देखो गाइस, अगर आपको ये प्रॉब्लम दिया जाए, यू आर दिस गाय, यू आर दिस टीम, एक्चुअली यू आर लीडिंग दिस टीम जिसको ये एक मॉडल बनाना है। आप इसको एक वेबसाइट की तरह ले सकते हो जहां पे वेबसाइट में यूजर अपना CGPA डालेगा, उसको पता चल जाएगा उसका प्लेसमेंट कितने का लगेगा। तो यू आर गोइंग टू बिल्ड दिस वेबसाइट। अब सोच के देखो कि हाउ वुड यू अप्रोच दिस प्रॉब्लम, राइट। अब सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि लेट्स से मेरे पास ये डेटा नहीं होता, मेरे पास ये डेटा होता ही नहीं, तो फिर मैं कैसे प्रिडिक्ट करता कि किसी स्टूडेंट का पैकेज कितने का लगेगा, राइट। अगर कोई मेरे से आके पूछ लेता कि आपके कॉलेज में पैकेज कितने का लगता है स्टूडेंट का, तो अगर मेरे पास ये डेटा होता तो मैं उससे पूछता कि बताइए आपका CGPA कितना है, वो मेरे को CGPA बताता तो मैं बेस्ड ऑन दिस डेटा एक आंसर देता। बट मान लो कि ये डेटा मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास कोई डेटा नहीं है, तो मेरे से सामने से किसी ने पूछा कि बताओ आपके कॉलेज में पैकेज कितने का लगता है, तो मेरे पास सिंस कोई डेटा नहीं है, द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू इज आई कैन सिंपली एवरेज आज तक जितने भी स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है उन सबका पैकेज का मैं एवरेज बता दूं कि 3.5 LPA इज द विल बी द पैकेज अगर आपका प्लेसमेंट होता है, मैं सीधे ऐसे बोल दूंगा, राइट। बट ऑब्वियसली यू कैन सी कि ये तो बहुत खराब गैस है, राइट। ये तो वेरी करेगा, आपका खराब स्टूडेंट और आपके अच्छे स्टूडेंट के पैकेज में ऑब्वियसली डिफरेंस होगा, राइट। तो ये तो हो गई गरीबी कि हमारे पास डेटा नहीं है, बट हमारे पास डेटा है, तो अब डेटा को लेके कैसे आगे बढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। सो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, और ये बहुत सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स में टू रहता है, कि अगर आपके पास ये डेटा है, द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज टू प्लॉट दिस डेटा। आप इस डेटा को प्लॉट कर सकते हो, दिस इज द प्लॉट ऑफ 200 स्टूडेंट्स जिनका प्लेसमेंट हुआ। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे यू कैन सी CGPA है, और हमारे वाई एक्सिस पे आपका पैकेज है, ठीक है। अब क्लियरली एक चीज आप नोटिस कर सकते हो, सबसे पहला चीज जो ऑब्जर्व करोगे आप इस डेटा में वो ये है कि आपका ये डेटा सॉर्ट ऑफ लीनियर है, सॉर्ट ऑफ लीनियर, कंप्लीटली लीनियर नहीं है। कंप्लीटली लीनियर डेटा कुछ ऐसा दिखता, ये कंप्लीटली लीनियर डेटा है, राइट, कंप्लीटली लीनियर डेटा है, बट हमारा जो डेटा है ये लीनियर नहीं है, कंप्लीटली लीनियर नहीं है, सॉर्ट ऑफ लीनियर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आया था जब मैं लीनियर रिग्रेशन पढ़ रहा था वो था वाई, ये डेटा कंप्लीटली लीनियर क्यों नहीं है। अब उसका आंसर आई गेस आपको पता होगा, उसका रीजन ये है कि ये एक रियल वर्ल्ड डेटा सेट है, और रियल वर्ल्ड डेटा सेट में आपके पास होते हैं रियल वर्ल्ड फैक्टर्स, ठीक है। मतलब अगर आप इस स्टूडेंट का बात करो, अगर आप इस स्टूडेंट का बात करो, तो ये स्टूडेंट एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका पैकेज अपने CGPA रेंज में थोड़ा ज्यादा है, मतलब इतने CGPA वालों को थोड़ा कम ही सैलरी मिलता है, बट ये बंदा एक्सेप्शन है, इसको ज्यादा सैलरी मिल रहा है। क्यों? कुछ भी रीजन हो सकता है, हो सकता है ये बंदा बहुत तगड़ा हो सकता है इसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया हो सकता है जिस कंपनी में इसका प्लेसमेंट हुआ है वो कंपनी ज्यादा पैकेज देती है, कुछ भी रीजन हो सकता है, राइट। और अगर आप इस बंदे को देखो, ये बंदे को अपने CGPA के रेंज में इसका पैकेज बहुत कम है, इसके CGPA पे और ज्यादा पैकेज मिलना चाहिए, बट इसको कम क्यों मिल रहा है? हो सकता है ये उतना खास ना हो सकता है कि IQ कम हो सकता है कि जिस कंपनी में जा रहा है वो कंपनी कम पैकेज देती है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो मैं बस ये बोल रहा हूँ कि रियल वर्ल्ड डेटा को रियल वर्ल्ड फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जिनको आप मैथमेटिकली समझ नहीं पाते हो, राइट। मतलब हाउ वुड यू अंडरस्टैंड कि इंटरव्यू खराब किया, इसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, इंटरव्यू खराब किया, कितना खराब किया क्वांटिफाई नहीं कर सकते। तो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स, और इनको हम स्टोकेस्टिक एरर्स बोलते हैं, जिनको हम डिटरमिन नहीं कर सकते, दोज आर कॉल्ड स्टोकेस्टिक एरर्स। और स्टोकेस्टिक एरर्स की वजह से आपका जो डेटा होता है वो सॉर्ट ऑफ लीनियर होता है, राइट। अब अगर ये लीनियर होता, मान लो ये कंप्लीटली लीनियर होता ये डेटा और ऐसा दिख रहा होता, तो क्या अच्छा होता?
बहुत इजी हो जाता हमारा काम। सोच के देखो, हम सिंपली ये लाइन ड्रॉ करते, जो कि इन सारे पॉइंट से पास कर रहा है। और अब अगर कोई मेरे से पूछता, अब ऑब्वियसली ये लाइन अगर मैंने ड्रॉ कर दिया तो मुझे इस लाइन का इक्वेशन पता है। लाइन का इक्वेशन जनरली एम एक्स प्लस बी होता है, वाई और एक्स तो वेरिएबल्स हैं, बेसिकली मुझे एम और बी का वैल्यू पता चल गया। और एम और बी क्या है, आई गेस वो भी आपको पता है, एम होता है स्लोप, बेसिकली दिस थीटा, ठीक है, और बी क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट, बेसिकली दिस थिंग, ये जो डिस्टेंस है, राइट। अगर मुझे ये दोनों चीजें पता चल जाए तो मुझे लाइन का इक्वेशन पता चल गया, और अगर मुझे लाइन का इक्वेशन पता चल गया तो फिर अगर कोई नया बंदा आता और बोलता मेरा सीजीपीए ये है, तो मैं सीधे उसको इस लाइन पे प्लॉट करता ऐसे, और यहां से मैं उसका पैकेज निकाल लेता। क्योंकि यहां पर अगर आप नोटिस करो तो एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है सीजीपीए और वाई रिप्रेजेंट कर रहा है कि पैकेज कितने का होगा। तो मैं बस ये बता रहा हूं आपको कि अगर आपका डेटा परफेक्टली लीनियर होता तो काम बहुत इजी था। आपको एक लाइन का इक्वेशन निकालना था जो उन सारे पॉइंट से पास करे, और फिर उस लाइन के इक्वेशन को यूज करके फ्यूचर में आप किसी भी गिवन सीजीपीए के लिए पैकेज पता कर सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो डेटा है इट इज नॉट परफेक्टली लीनियर, इट इज सॉर्ट ऑफ लीनियर। तो आप क्या करें, दैट्स द क्वेश्चन, क्या कर सकते हैं। द आंसर इज, सिंस मैंने पढ़ रखा है तो मैं आपको बताता हूं, आप अभी भी एक लाइन ड्रॉ करोगे, और ये जो लाइन होगा ये आपका बेस्ट फिट लाइन कहलाता है। दिस लाइन इज कॉल्ड बेस्ट फिट लाइन। अब बेस्ट फिट लाइन क्यों कहलाता है, क्योंकि ये लाइन मिनिमम गलती कर रहा है, राइट। सोच के देखो, परफेक्ट लाइन वो होता जो हर पॉइंट से गुजरता। इस सिनेरियो में आप परफेक्ट लाइन बना नहीं सकते, तो नेक्स्ट बेस्ट चीज क्या बना सकते हो, एक ऐसा लाइन जो सारे पॉइंट से एकदम क्लोजली पास हो, राइट। एंड दैट इज व्हाट लीनियर रिग्रेशन डस। लीनियर रिग्रेशन अगर आपसे कोई पूछे नटशेल में कि वो एल्गोरिदम क्या करता है, तो बहुत सिंपल है। आप बोलोगे कि मुझे सबसे पहले ये पता करना है कि जिस डेटा सेट पे मैं काम कर रहा हूँ क्या वो लीनियर या फिर सॉर्ट ऑफ लीनियर है कि नहीं। 99.99% टाइम्स आपको जो डेटा मिलेगा वो लीनियर तो मिलेगा नहीं, सॉर्ट ऑफ लीनियर मिल सकता है। तो आपको बस क्या करना होता है, उस सॉर्ट ऑफ लीनियर डेटा पे एक लाइन खींचनी होती है। लीनियर रिग्रेशन यही करता है, एक लाइन खींचता है। लाइन खींचने का मतलब है कि वो एक ऐसा एम और ऐसा बी फाइंड आउट करता है जो कि एक ऐसा लाइन ड्रॉ करके देगा मुझे जो इन पॉइंट्स के ऊपर मिनिमम गलती करे। और मिनिमम गलती करने का मतलब होता है हर पॉइंट से क्लोजेस्ट पास करे। मतलब आप सोच के समझ सकते हो ये वाली बात, कि ये वाली जो लाइन है, मान लो थोड़ा घटिया ड्रॉ किया मैंने, मान लो ये लाइन है। अब ये लाइन और ये लाइन में अगर आपको बोला जाए कि कौन सी लाइन बेस्ट फिट लाइन है, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे लाइन नंबर वन इज बेस्ट फिट लाइन, लाइन नंबर टू इज नॉट, बिकॉज लाइन नंबर टू सारे पॉइंट से थोड़ा दूरी से पास हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट वो बेस्ट फिट लाइन नहीं बन सकता। तो इन शॉर्ट, इन समरी, लीनियर रिग्रेशन इज अ वेरी सिंपल एल्गोरिदम जिसका काम है एक सॉर्ट ऑफ लीनियर डेटा पे एक लाइन ड्रॉ करना। और उस लाइन की खासियत क्या है कि वो बेस्ट फिट लाइन है, मतलब वो सारे पॉइंट्स के क्लोजली पास होता है, ठीक है। दैट इज हाउ दिस एंटायर एल्गोरिदम वर्क्स, ठीक है। अब टू बी ऑनेस्ट, मैंने आपके साथ ये डिस्कशन तो किया नहीं है कि M कैसे निकलता है, B कैसे निकलता है, वो डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो के लिए रिजर्व्ड है, जहां पे हम स्क्रैच से पूरा मैथमेटिकल मॉडल डेवलप करेंगे, इस एल्गोरिदम को स्क्रैच से लिखेंगे, वो सब अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में बस मुझे आपको बताना था व्हाट इज द कोर ज्योमेट्रिक इंट्यूशन बिहाइंड दिस एल्गोरिदम। सो अगर आपको ये समझ में आ गया, अब हम एक काम करते हैं, हम अपने कोड विंडो में जाकर के एक एक्चुअल डेटा सेट के ऊपर लीनियर रिग्रेशन लगा के देखते हैं। सो गाइज, नाउ लेट्स स्टार्ट। मेरे पास ये नोटबुक है, मेरे पास एक्चुअली वही डेटा है जो मैंने आपको दिखाया था, placement.csv। सो लेट मी जस्ट रन दिस कोड। सो यू कैन सी ये मेरा डेटा है, 200 स्टूडेंट्स का डेटा है मेरे पास, CGPA और पैकेज। पैकेज जो है वो LPA में है, lakhs per annum में। सो यू कैन सी एक स्टूडेंट है जिसका CGPA 6.89 है,
तो उसका एलपीए में पैकेज है 6 3.26, ठीक है। सो 5.12 का 1.98, 7.42 का 3.67, इस तरीके से हमारे पास डेटा है। मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों कॉलम्स को एक बार ग्राफ में प्लॉट किया, तो यू कैन सी ये जो मेरा डेटा है बिल्कुल वही है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको स्नैपशॉट दिखाया। सीजीपीए एक्स एक्सिस पे, पैकेज इन एलपीए वाई एक्सिस पे। सबसे बड़ा जो ऑब्जर्वेशन है जो आपको करना है वो ये है कि आपका डेटा लीनियरली अलाइंड है इन दिस 2D स्पेस। अब हमें क्या करना है, हमें इस डेटा के ऊपर हमारा एल्गोरिदम अप्लाई करके एक मॉडल क्रिएट करना है, जिसको अगर हम एक नया सीजीपीए देते हैं तो वो हमें बताएगा कि पैकेज कितने में होना, क्या पैकेज कितना होगा, ठीक है। सो बहुत सिंपल है, मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व जब भी आप किसी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के साथ काम करते हो। सबसे पहले आपका काम होता है, आप अपना एक्स और अपना वाई, एक्स मतलब आपके इनपुट कॉलम्स और वाई का मतलब इन आउटपुट कॉलम, अलग अलग कर लेते हो, तो मैं वही कर रहा हूँ। सो एक्स विल बी इक्वल टू df डॉट आई लॉग सारे रोज 0 से लेके 1, ठीक है। ये मेरा इनपुट हो गया, और वाई जो है दैट वुड बी gf डॉट आई लॉग सारे रोज कॉमा -1, ये मेरा आउटपुट हो गया। सो आई कैन क्विकली शो यू, दिस इज एक्स मेरा सीजीपीए एंड दिस इज वाई मेरा टारगेट कॉलम, पैकेज कितना होगा, ठीक है। नेक्स्ट जनरली जो हम करते हैं वो ये है कि हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते हैं, हम थोड़ा डेटा छुपा लेते हैं क्योंकि हमें बाद में क्वेश्चन पूछना है कि तुमने सही से सीखा कि नहीं। तो मैं दो पार्ट्स में डेटा को डिवाइड कर रहा हूँ रैंडमली, ट्रेनिंग सेट जहाँ पे जिसको यूज करके मैं अपने मॉडल को ट्रेन करूंगा, एंड देन अ टेस्ट सेट जिससे मैं उसका टेस्ट लूंगा, एग्जाम लूंगा कि बताओ इस सीजीपीए का आंसर कितना होगा, और मुझे असली आंसर पता होगा तो आई कैन ऑलवेज कंपेयर कि रिजल्ट सही आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो इस स्टेप में आपको बस लिखना होता है sklearn डॉट मॉडल सेलेक्शन, यू विल इम्पोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, और आप चार एरेज में डिवाइड कर रहे हो अपने पूरे डेटा को, और यहाँ पे यू आर पासिंग एक्स कॉमा वाई। हम अपना टेस्ट साइज दे रहे हैं 0.2, मतलब 20% डेटा टेस्ट में जा रहा है, और मैं रैंडम स्टेट 2 कर रहा हूँ सो दैट आप इस रिजल्ट को रिप्रोड्यूस कर पाओ। और अब गाइज वी आर रेडी टू अप्लाई आर एल्गोरिदम, ठीक है। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस sklearn डॉट लीनियर मॉडल से यू हैव टू इम्पोर्ट दिस क्लास कॉल्ड लीनियर रिग्रेशन, इसका आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है lr, और ये रहा वो ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट के पास अब कुछ मेथड्स और एट्रीब्यूट्स हैं, उनमें से एक मेथड है फिट। फिट का काम होता है इस मॉडल को ट्रेन करना, और आप ट्रेन करते टाइम अपना डेटा भेज देते हो, सिंस ये बहुत छोटा डेटा है बहुत जल्दी ट्रेन हो जाएगा। सी मॉडल ट्रेन हो गया, एंड नाउ वी आर रेडी टू प्रिडिक्ट, मतलब हो गया, दैट्स इट। अब अगर आप अपना एक्स टेस्ट देखो, एक्स टेस्ट में हमारे पास कुछ नंबर्स है, सीजीपीए 112 नंबर का, और वाई टेस्ट में मेरे पास उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पैकेज है। सो 112 वाले का पैकेज 4.10 था, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अब इस बंदे का सीजीपीए अपने मॉडल को दूंगा और मैं बोलूंगा प्रिडिक्ट करो, और मैं चेक करूंगा कि 4.10 के कितने क्लोज आ रहा है, ठीक है। कैसे करना है ये सब कुछ, बहुत सिंपल है, आप लिखोगे lr डॉट प्रिडिक्ट, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना एक्स टेस्ट के अंदर से यू हैव टू पास द जीरो आइटम, ठीक है। ये कोड आपको एरर देगा, उसका रीजन क्या है कि आपका ओके माई बैड डॉट आई लॉक हमें भेजना है 0th। ये कोड आपको एरर देगा क्योंकि आपको आपने जो एल्गोरिदम ट्रेन किया है वहां पे जो शेप है, इनपुट शेप है जो एक्सपेक्ट कर रहा है आपका एल्गोरिदम, वो है 1.1, मतलब मुझे एक रो चाहिए जिसमें एक कॉलम हो, ठीक है। बट हम जो भेज रहे हैं वो एक्चुअली 1D डेटा है, दिस इज 1D। सो वॉट वी हैव टू डू इज वी हैव टू सिंपली रीशेप इट टू 1.1, एंड नाउ आई एम गेटिंग दिस एरर बिकॉज पहले मुझे उसको वैल्यूज से फेच करना पड़ेगा, और ये रहा गाइज हमारा आंसर, दिस इज आर आंसर। सो अकॉर्डिंग टू माई एल्गोरिदम जिस बंदे का CGPA 8.58 है उसका आउटपुट एज इन उसका पैकेज शुड बी 3.89, बट ओरिजिनल उसका सच में जो पैकेज लगा था वो 4.10 था,
तो थोड़ा सा हमारा एल्गोरिथम ऑफ चल रहा है, ठीक है। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल, लेट्स से 7.15 वाले का देखते हैं। ये हमारे एक्स टेस्ट का दूसरा बंदा है, 7.15, और इसका पैकेज लगना चाहिए 3.49 का। लेट्स सी, यहाँ पे मैं जीरो के बदले वन कर रहा हूँ, लेकिन सी थोड़ा फिर से ऑफ है, 3.09 आना चाहिए था, 3.49, बहुत सही रिजल्ट्स नहीं आ रहे अभी। नेक्स्ट इज 5.88, इसका पैकेज लगना चाहिए 2.08 का, और यहाँ पे मैंने लिखा 2, और अगेन 2.08 से 2.38, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा ऑफ नहीं है, 20,000 का डिफरेंस है। बच्चा खुशी हो जाएगा, बढ़ा दिया एल्गोरिथम, बट जो भी है, दैट इज हाउ दिस एंटायर थिंग इज वर्किंग, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, मतलब मैं आपको इनफैक्ट दो तीन चीजें दिखाता हूँ कि सच में एक लाइन ड्रॉ हुआ, लीनियर रिग्रेशन ने अपना काम करते टाइम सच में एक लाइन ड्रॉ किया। आई विल शो यू दैट लाइन, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कॉपी दिस एंटायर कोड एज इट इज, सो दैट आपको पूरा डेटा दिखाई दे, और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि वो रिग्रेशन लाइन कैसे बन रही है, ठीक है। सो अभी इस पॉइंट पे आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन द कोड दैट मच, बट थोड़ी देर में आपको कुछ समझ में आ जाएगा। सो आई एम गोइंग टू पास DFCGPA, and over here I'm going to pass LR dot predict X dot reshape 200. Actually, मुझे X पूरे X पे चलाने का जरूरत नहीं है, I can just write X train or rather X test. Yeah, X test is fine. And ओके या माय बैड, मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा दिया है, इसमें 200 रोज हैं और मैंने जो प्रिडिक्ट किया तो मैंने सिर्फ 40 रोज पे प्रिडिक्ट किया, दैट इज वाई एरर आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इफ आई पास एक्स टेस्ट, नाउ वी कैन गेट द लाइन। मैंने बस दोनों में बराबर रोज भेज दिया और मेरा काम हो गया। व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट चेंज द कलर टू रेड, सो दैट आपको ये लाइन दिखाई दे जाए, ठीक है। इनफैक्ट एक काम करते हैं, ये लाइन थोड़ा छोटा आ रहा है बिकॉज टेस्ट में कम डेटा है। व्हाट आई विल डू इज आई विल इंस्टेड यूज एक्स ट्रेन इन बोथ द प्लेसेस, सेम रिजल्ट आएगा, बस आप पूरा डेटा देख पाओगे। सो यू कैन सी गाइस, दिस वाज द लाइन जो मेरे लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम ने खोजा। उसने बोला बॉस आपके इस डेटा के लिए यही लाइन बेस्ट फिट लाइन है, ठीक है। और अगर उसने लाइन खोजा उसका मतलब ये है कि उसने दो चीजें खोजी होंगी, फर्स्ट स्लोप ऑफ द लाइन, सेकेंड वाई इंटरसेप्ट। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि वो स्लोप का वैल्यू क्या है और वो वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या है, ठीक है। लेट मी शो यू। सो अगर आपका लीनियर मॉडल ट्रेन हो जाता है तो उसका ऑब्जेक्ट में आपके पास कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, जिसमें से पहला एट्रीब्यूट होता है कोएफ अंडरस्कोर, जो कोफिशियंट है, और यहाँ पर देखो गाइस ये आपका स्लोप है 0.55, दिस इज एक्चुअली योर एम वैल्यू, मैं आप इसको एम में स्टोर कर रहा हूँ, ये आपका स्लोप है, ठीक है। और सिमिलरली यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट आपका इंटरसेप्ट, और वो वैल्यू ये है -0.89, दिस इज योर बी, एम एक्स प्लस बी वाला, ठीक है। और अब आपका लाइन का इक्वेशन कैसे निकलता है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। तो आपके पास अगर आप एक नया x दो, मतलब आप एक नया CGPA अगर दो, तो आपके पास b और m है, आप y कैलकुलेट कर दोगे, और y क्या है आपका पैकेज, ठीक है। सो इनफैक्ट यही हुआ बिहाइंड द सीन्स, मैं आपको दिखाता हूँ। सो आपका ये जो फर्स्ट बंदा है इसका CGPA कितना है, 8.5, और इसके लिए हमारा आंसर कितना आया था, जब हमने यहाँ पे जीरो डाला था हमारा आंसर आया था 3.89, क्यों आया था लेट मी शो यू। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ m मल्टीप्लाइड बाय CGPA, CGPA कितना है इस बंदे का 8.58, सो आई विल कॉपी दिस 8.58 प्लस बी का वैल्यू और मल्टीप्लाई किया, दिस इज द वैल्यू 3.89 जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो बिहाइंड द सीन्स आपका लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम क्या कर रहा है, वो m और b वैल्यू फाइंड कर रहा है, मतलब एक लाइन फाइंड कर रहा है, और फिर उस m और b वैल्यू को यूज करके एक नए CGPA वैल्यू के लिए आपको पैकेज कैलकुलेट करके दे दे रहा है, ठीक है। द गुड पार्ट इज कि अगर आपका CGPA आपके डेटा में नहीं भी हो
तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि उसका पैकेज कितने का लगेगा। लेट्स से मेरे पास एक स्टूडेंट है जिसका सीजीपीए 9.5 है और उसका पैकेज 4.40 का लगना चाहिए। मतलब आई गेस आपको समझ में आ रहा है, पावर यहीं पर है। किसी का सीजीपीए 100 है, आई नो नहीं हो सकता, उसका सैलरी कितने का लगना चाहिए, 54 लाख्स का। ऑब्वियसली देयर इज एन अपर लिमिट कि आप 10 के ऊपर नहीं जा सकते, बट या मेरा मॉडल वो रिस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि वो तो एक लाइन है। तो आप जितना एक्स को बढ़ाते जाओगे उतना ही बढ़ा हुआ आपको वाई का वैल्यू भी दिखने लग जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट गाइज, मतलब दैट इज हाउ लीनियर रिग्रेशन वर्क्स। मैंने पहले आपको कोड इसलिए करवाया क्योंकि हम लोग मोस्टली कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं और कोड्स के थ्रू अगर हम समझना स्टार्ट करते थे तो फिर मैथ्स थोड़ा इजी लगने लगता है। मैं आपको मैथ्स पहले पढ़ा सकता था पर आप डर के थोड़ा भाग जाते, तो आई थॉट कि व्हाई नॉट फर्स्ट डू कोडिंग वाला चीज। सो या एक दो एरर्स आए, इग्नोर इट, जस्ट एक बार कोड को रन कर लेना, यू वुड बी एबल टू सी कि पूरी चीज कैसे काम कर रही है। नाउ लास्ट थिंग, मैंने आपको मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन बताया लीनियर रिग्रेशन का कि वो एक लाइन ड्रॉ करता है, बेस्ट फिट लाइन, बट इसका एक और मीनिंग है। ठीक है, और वो मीनिंग मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सो देखो, हमें मैथ्स के थ्रू तो समझ में आ गया कि लीनियर रिग्रेशन आपके डेटा के ऊपर एक लाइन खोज रहा है, बेस्ट फिट लाइन। उसका मतलब है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी में m और b का वैल्यू खोज रहा है। फाइन, समझ में आ गया, मैथमेटिकली समझ में आ गया, बट इसका लाइक ह्यूमन इंट्यूशन क्या है? मतलब मैं खुद को कैसे समझाऊं, एक बच्चे को कैसे समझाऊं कि इसका क्या मतलब है? मतलब इस y में अगर मैं इस इक्वेशन को रीफ्रेम करूं तो इट्स बेसिकली हमारे मॉडल के लिए पैकेज इज इक्वल टू m टाइम्स CGPA प्लस b वैल्यू। यही तो है, इन शॉर्ट हम यही तो कर रहे हैं, हमने पैकेज और सीजीपीए के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप निकाला कि अगर मुझे सीजीपीए दे दिया जाएगा और मुझे बोला जाएगा पैकेज बताओ, तो मैं उसमें ये नंबर मल्टीप्लाई करूंगा m और ये नंबर ऐड करूंगा b, वही मेरा पैकेज होगा। लीनियर रिग्रेशन एक्चुअली यही कर रहा है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये एम और बी का ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल इंट्यूशन क्या है। एम का मतलब ये होता है, एम को आप एक्चुअली वेटेज बोल सकते हो, वेटेज। इसका मतलब ये है कि आपका सीजीपीए के ऊपर कितना डिपेंड करता है पैकेज, यही इसका मतलब है, राइट? सोच के देखो, अगर एम का वैल्यू बहुत कम होगा तो इसका मतलब सीजीपीए के ऊपर आपका पैकेज बहुत कम डिपेंड करेगा, और अगर एम का वैल्यू बहुत हाई होगा तो सीजीपीए के ऊपर आपका पैकेज बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। स्लोप यही तो बताता है, सोच के देखो, स्लोप क्या बताता है? अगर ये स्लोप बहुत कम है तो इसका मतलब ये है कि इसके यूनिट चेंज से इसका यूनिट चेंज बहुत कम होगा, बट अगर स्लोप बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है यहाँ पे बहुत थोड़े यूनिट चेंज के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा यूनिट चेंज होगा। स्लोप यही तो बता रहा है। तो ये जो एम है, या फिर इसको आप स्लोप बोलते हो, ये एक्चुअली बताता है वेटेज ऑफ दिस वेरिएबल ऑन दिस वेरिएबल, राइट? अब ये अगर समझ में आ गया तो लेट्स टॉक अबाउट दिस बी। ये बी क्या है? बी क्या है? बी का अगर आपको मतलब समझना है तो आप क्या करो, आप बी को जीरो कर दो। अगर आप b को जीरो कर दो तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, पैकेज इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय cgp, राइट? अब अगर cgp जीरो है तो आपका पैकेज भी जीरो हो जाएगा, बट ये सही नहीं लग रहा, राइट? मतलब ये सही नहीं लग रहा। हो सकता है, मतलब ये थोड़ा सा एक्सट्रीम केस हो गया। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके पास ऐसा डेटा होता, x मतलब इनपुट होता एक्सपीरियंस इन ईयर्स और आपका वाई होता पैकेज, राइट? मान लो ये आपका प्रॉब्लम होता। जस्ट मैं आपको ये बी एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट एग्जांपल ले रहा हूं। अब यहां पर फॉर्मूला क्या बन जाता फिर? पैकेज इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्सपीरियंस प्लस बी, बट ये बी इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब पैकेज इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्सपीरियंस। अब मान लो कोई फ्रेशर है तो उसका एक्सपीरियंस कितना होगा? जीरो। बट अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन फिर तो पैकेज उसका जीरो हो जाना चाहिए, मतलब गोइंग बाय दिस लॉजिक फ्रेशर्स को सैलरी नहीं मिलनी चाहिए, बट फ्रेशर्स को सैलरी मिलती है,
और वो सैलरी जो है वही होता है बी, इसको ऑफसेट बोलते हैं, दिस इज ऑफसेट। कि कल को अगर ये वाला टर्म जीरो हो जाता है तब भी मेरे वाई का वैल्यू कुछ होगा एंड दैट विल बी इक्वल टू दैट बी, ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल इंट्यूशन लीनियर रिग्रेशन का, ठीक है। एम हो गया वेट, कि कितना इनपुट कॉलम के ऊपर डिपेंड करता है आउटपुट कॉलम, और बी हो जाता है ऑफसेट, कि कल को अगर आपका इनपुट कॉलम गया तो भी कुछ वैल्यू रहेगा वाई में, ठीक है। तो दिस वॉज द इंट्यूशन प्लस कोडिंग वीडियो गाइस, आई होप आपको थोड़ा समझ में आ गया। और अब नेक्स्ट वीडियो में चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स होंगी, हम एक मैथमेटिकल मॉडल डेवलप करेंगे जहां पे हम खुद एक फॉर्मूला निकालेंगे एम और बी कैलकुलेट करने का, और फिर हम उस फॉर्मूला को कोड करेंगे, मतलब हम अपना खुद का लीनियर रिग्रेशन क्लास बनाएंगे, और मैं आपको साइड बाय साइड कंपैरिजन दूंगा साइकिट लर्न वाले क्लास का और हमारे क्लास का, ठीक है। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग अ क्विक रिविजन, हम एक ऐसे डेटा सेट के ऊपर काम कर रहे हैं जहां पे हमारे पास एक इनपुट वेरिएबल है और एक आउटपुट वेरिएबल है। हमने जो डेटा सेट लिया था उसमें सीजीपीए वॉज द इनपुट कॉलम एंड पैकेज कितने का लगा दैट वॉज द आउटपुट कॉलम, और हमारा डेटा कुछ ऐसा दिख रहा था। परफेक्टली लीनियर तो नहीं था, सॉर्ट ऑफ लीनियर था, मतलब जैसे जैसे सीजीपीए बढ़ रहा है आपके पैकेज का अमाउंट भी बढ़ रहा है, ठीक है। फिर हमने डिसाइड किया था कि हम अगर ये परफेक्टली लीनियर डेटा होता तो एक लाइन ड्रॉ कर देते और उस लाइन के इक्वेशन से हम चीजें कर पाते, बट अनफॉर्चुनेटली डेटा लीनियर नहीं है। सो हमने फिर एक सेकेंड सोल्यूशन निकाला कि हम एक बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करेंगे। बेस्ट फिट लाइन क्या होता है? एक ऐसा लाइन जो सारे पॉइंट्स के एकदम क्लोजली पास हो, ठीक है। और अगर हमें ये लाइन निकालना है तो बेसिकली हमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी को पता करना है, और इसको पता करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, m और b। और हमने देखा था कि हमारा लीनियर रिग्रेशन का जो एल्गोरिदम है साइकिट लर्न ने, उसने एग्जैक्टली ये दोनों चीजें कैलकुलेट की थी, मैंने आपको दिखाया भी था। सो द होल आइडिया इज कि आपको m और b का एक ऐसा वैल्यू फाइंड करना है जिससे एक ऐसा लाइन सेगमेंट निकले जो इस डेटा के ऊपर मिनिमम गलती करे या फिर सबसे एकदम पास से गुजरे, ठीक है। तो हमारा जो पूरा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है उसमें नॉर्थ गोल यही, नॉर्थ स्टार यही रहेगा, हम इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे कि हमें एम और बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये समरी है। अब एम और बी का जो वैल्यू है ये आप दो अलग अलग तरीकों से निकाल सकते हो, ठीक है। सो देर आर टू डिफरेंट सॉल्यूशंस अवेलेबल। सो द फर्स्ट सॉल्यूशन इज क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन, क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन, एंड द सेकेंड सॉल्यूशन इज नॉन क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन, नॉन क्लोज्ड फॉर्म। अब यू माइट आस्क क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन क्या होता है? क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट साउंड कर रहा है बट एक्चुअली बहुत सिंपल चीज है। अगर आप विकीपीडिया पे जाके पढ़ो तो कभी भी अगर आप किसी चीज का मैथमेटिकल फॉर्मूला बना सकते हो दैट इज अ क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन फॉर इट। मतलब इन मैथमेटिक्स अ क्लोज फॉर्म एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक्सप्रेस्ड यूजिंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेशंस। इट मे कंटेन कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, सर्टेन वेल नोन ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस डिविजन मल्टीप्लीकेशन एंड फंक्शंस लाइक दीज, बट यहाँ पर आप डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन नहीं करते हो, ठीक है। अगर आपको एक एग्जाम्पल मैं दिखाऊं क्लोज फॉर्म सोल्यूशन का तो ये है, आपने बचपन में पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है और उसका आंसर ये रहता है। सो सिंस आप एक्स को फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला में वैल्यूज डाल करके एक्स का वैल्यू निकाल रहे हो, दिस इज अ क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन, ठीक है। वेयर एज इन अ नॉन क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन आपको अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं उस वैल्यू तक पहुंचने के लिए। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब आप लीनियर रिग्रेशन में काम करते हो तो ये एम और बी का वैल्यू कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक है डायरेक्ट फॉर्मूला, एक है डायरेक्ट फॉर्मूला जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, और इस टेक्निक को ओएलएस बोला जाता है, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स, ठीक है। तो पहले हम लोग ये टेक्निक सीखेंगे क्योंकि ये सिंपल है और हमारा जो साइकिट लर्न है वो यही टेक्निक यूज करता है इंटरनली अपने लीनियर रिग्रेशन क्लास में, ठीक है। नाउ कम्स द क्वेश्चन कि सेकेंड टेक्निक क्या है।
सो सेकेंड टेक्निक एक अप्रोक्सीमेशन बेस्ड टेक्निक है जहाँ पे आपको डिफ्रेंसिएशन वगैरह यूज करके चीजें करनी पड़ती हैं. यहाँ पे जो टेक्निक आप यूज करते हो मशीन लर्निंग में, हम उसको ग्रेडियंट डिसेंट बोलते हो. सो ये एक बहुत फेमस टेक्निक है. इनफैक्ट आप मोस्ट ऑफ द बुक्स और यूट्यूब वीडियोज अगर आप देखोगे, वहां पर यू वुड फाइंड आउट कि लीनियर रिग्रेशन लोग ग्रेडियंट डिसेंट के टर्म्स में ही सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, सो जब मैं पहली बार लीनियर रिग्रेशन पढ़ रहा था और जब मुझे पता चला कि दो अलग अलग सॉल्यूशंस होते हैं, ओएलएस से भी सेम काम होता है, ग्रेडियंट डिसेंट से भी सेम काम होता है, तो मेरे दिमाग में पहला क्वेश्चन वही आया जो अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है किसी चीज का, तो मैं ग्रेडियंट डिसेंट जैसा टेक्निक क्यों यूज करूंगा. द आंसर इज कि जब आप हायर डायमेंशन में काम करते हो, जैसे अभी आपके पास सिर्फ 1D डेटा है, सिर्फ CGP है आपके पास, बट अगर ये डायमेंशन बढ़ जाते हैं तो हायर डायमेंशन में ये फॉर्मूला लगा करके आंसर निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एम और बी के लिए. वहां पर फिर आपको एफिशिएंट टेक्निक हो जाती है ग्रेडियंट डिसेंट. इन शॉर्ट दोनों टेक्निक्स अवेलेबल हैं, बट अगर आप छोटे नंबर ऑफ डायमेंशन पे काम कर रहे हो तो यू शुड डू OLS बिकॉज इट वुड टेक लेस मैथमेटिक्स एंड टाइम एंड ऑल. बट जैसे ही डायमेंशन बढ़ते हैं, यहां पर एक प्रॉब्लम होता है. वो प्रॉब्लम क्या होता है मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, जिसकी वजह से आप ग्रेडियंट डिसेंट यूज करते हो. एंड दैट इज वाई बहुत सारी बुक्स और बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में आप देखोगे कि लोग डायरेक्टली ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ाते हैं. बट जो लीनियर रिग्रेशन क्लास है scikit-learn का, मैंने जितना पढ़ा है उसके अंदर इंटरनली OLS इंप्लीमेंटेड है, नॉट ग्रेडियंट डिसेंट. एक और क्लास है जिसको हम बोलते हैं SGD रिग्रेसर. इस क्लास में ग्रेडियंट डिसेंट इंप्लीमेंटेड है. सो अगर आपको OLS के थ्रू लीनियर रिग्रेशन करना है तो लीनियर रिग्रेशन वाला क्लास यूज करो. अगर आपको ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू लीनियर रिग्रेशन करना है, देन यू हैव SGD रिग्रेसर. मैं आपको दोनों पढ़ाऊंगा, ठीक है, बट आज हमारा फोकस इज कि हम OLS को यूज करके कैसे M और B का वैल्यू निकाल सकते हैं. एंड द गुड पार्ट इज कि मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल है और वो फॉर्मूला ये है. लेट मी शो यू. सो B का फॉर्मूला ये है, B कैलकुलेट करने का, Y बार माइनस M X बार. यहां पे Y क्या है, पैकेज कितने का लगा, और X क्या है, CGPA. राइट, सो अगर आपके पास m का वैल्यू है तो आप b का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. बट m का वैल्यू कहाँ है, तो m का वैल्यू के लिए भी एक फॉर्मूला है, थोड़ा डरावना बट इतना भी डरावना नहीं है. xi माइनस x बार, yi माइनस y बार डिवाइडेड बाय सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n xi माइनस x बार का होल स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला. सो पहले ऑब्वियसली आप m कैलकुलेट करोगे और उस m को कैलकुलेट करके आप b को कैलकुलेट करोगे. ठीक है, अब एक दो चीजें यहां पे समझ लो कि ये x बार और y बार क्या है. दीज आर मीन वैल्यूज. सो x बार इज मीन ऑफ CGPA, y बार इज मीन ऑफ पैकेज. ठीक है, और ये xi और yi क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द करेंट रो का CGPA एंड करेंट रो का पैकेज. ठीक है, सो या नटशेल में लीनियर रिग्रेशन जो क्लास है scikit-learn का, वो ये दो फॉर्मूलेज यूज करके आपको आंसर्स निकाल के दे रहा था. बट हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे, हम इस तरीके से लीनियर रिग्रेशन पढ़ेंगे जैसे हम इन्वेंट कर रहे हैं. दैट इज माई प्लान. मैं आपको इस तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ कि आपको लगे कि हम इन्वेंट कर रहे हैं. तो मैं आपको ये फॉर्मूलाज कहाँ से आते हैं, कैसे निकलते हैं, ये पूरा मैं आपको स्क्रैच से पढ़ाऊंगा. और फिर जब वो फॉर्मूलाज निकल जाएंगे, यू वुड सी कि आपको यही रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तब हम उसको एक क्लास में कन्वर्ट करेंगे जैसे लीनियर रिग्रेशन का क्लास है. सो लेट्स स्टार्ट दैट. सो गाइस, चलो अब एकदम बेसिक से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और एकदम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन जो है स्क्रैच से क्रिएट करते हैं. ठीक है, बात करेंगे और बात करके उसको मैथ्स में कन्वर्ट करेंगे. सो नटशेल में फिर से एक बार और रिवाइज करते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो सॉर्ट ऑफ लीनियर हैं और मुझे उनके ऊपर बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करना है. और बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करने का मतलब मुझे एम और बी का वैल्यू निकालना है. अब बेस्ट फिट लाइन क्या होता है? बेस्ट फिट लाइन वो लाइन होता है जो हर पॉइंट के एकदम पास से होके गुजरने का ट्राई करेगा. इसका मतलब वो ये जो डिस्टेंस है
पॉइंट से लेके लाइन का जो डिस्टेंस है, आई ड्रॉ इट, लाइक ये जो डिस्टेंस है वो हर पॉइंट के लिए इस डिस्टेंस को मिनिमाइज करने का ट्राई करेगा. क्योंकि सोच के देखो, जो बेस्ट लाइन होता, जो परफेक्ट लाइन होता, वो इन सब के ऊपर से पास करता, तो फिर ये डिस्टेंस कभी होता ही नहीं, राइट? बट ये लाइन सबसे पास नहीं कर पा रहा है, तो हर पॉइंट के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा एक एरर है इस लाइन का, ठीक है? अब व्हाट इफ मुझे वो लाइन फाइंड करना है जो इस पूरे के पूरे एरर को मिनिमाइज करे. तो उसके लिए सबसे पहले काम करते हैं, ये जो टोटल एरर है इसके लिए एक एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. सो एट द एंड ये जो डिफरेंस है, ये एक डिस्टेंस है इस कोऑर्डिनेट प्लेन में. सो अगर मैं इस फर्स्ट पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस डिस्टेंस को d1 बोलूं, इसके रिस्पेक्ट में d2 बोलूं, इसके रिस्पेक्ट में d3, d4, d5 एंड d6 बोलूं, तो अगर मुझे टोटल एरर निकालना है या टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, d1 प्लस d2 प्लस d3 डॉट 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 प्लस dn. n यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, या फिर आपके पास कितने स्टूडेंट्स का डेटा है, ठीक है? अब व्हाट इफ आई टेल यू कि मैं स्क्वायर करके ऐड करूंगा, मैं ये जो टोटल एरर निकाल रहा हूं इसको मैं स्क्वायर करके ऐड करना चाहता हूं. आई गेस आपको इसका रीजन समझ में आ रहा होगा. क्लियरली इसका रीजन ये है कि आपके जो डिस्टेंसेस हैं, मतलब ये जो एरर्स हैं, ये लाइन के ऊपर भी हैं, लाइन के नीचे भी हैं. सिंस मुझे टोटल एरर निकालना है, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट करने लगेगा. सो व्हाट आई वांट इज कि मैं स्क्वायर कर दूं, सो दैट सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव हो जाए, राइट? अब आप क्लियरली क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो बॉस आप ये क्यों नहीं कर रहे हो, मॉड d1 प्लस मॉड d2 प्लस मॉड d3 एंड सो ऑन, मॉडुलस क्यों नहीं यूज कर रहा मैं इंस्टेड ऑफ स्क्वायर? इसके दो रीजंस मैं आपको दे सकता हूँ. रीजन वन इज कि मैं आउटलायर्स को, जो बहुत दूर वाले पॉइंट्स हैं, उनको पेनलाइज करना चाहता हूँ. और रीजन टू इज, थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा, कि हमें एक जगह पे जाके डिफ्रेंसिएशन करना है ये पूरे एक्सप्रेशन का. और आपको शायद पता होगा कि मॉड का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, इट इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन. सो जब हम इसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे, डिफरेंशिएशन हो ही नहीं पाएगा. वेयर एज जब आप स्क्वायर लेते हो, तो स्क्वायर का आप कहीं भी किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो. तो दैट इज व्हाई मैंने स्क्वायर लिया. अब कुछ लोग पूछेंगे कि 4 भी ले सकते थे, 2 to the power 4, 2 to the power 8, 2 to the power 16. तो मैं बोलूंगा मजाक मत करो यार, मतलब ऑब्वियसली जब 2 से काम चलता है तो 4 क्यों करोगे, सिंपल लॉजिक है, ठीक है? सो एरर का टर्म को अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ. मेरे को बचपन में बहुत डर लगता था ये सिग्मा नोटेशन से, धीरे धीरे मशीन लर्निंग की वजह से मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो गया. आई गेस आपको समझ में आ रहा है मैंने यहाँ पे क्या लिखा. सी, इस पे फोकस करो, ये जो है ना, ये हमारा एरर फंक्शन है. दिस इज आर एरर फंक्शन. इसको मशीन लर्निंग के लिंगो में लॉस फंक्शन भी बोला जाता है. इसको कभी कभी आप जे से रिप्रेजेंट करते हो, जो बढ़िया किताबें हैं मशीन लर्निंग की वो लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैं फिलहाल ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. सो या अगर आप देखो, तो मुझे एक एक्सप्रेशन मिल गया मेरे लाइन सेगमेंट के लिए. अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं पहले क्या बोलता था, मैं पहले बोलता था कि मुझे एक ऐसा लाइन सेगमेंट दो जो सारे पॉइंट्स के एकदम पास से होके गुजरने का ट्राई करे. अब मैं क्या बोलूंगा, मुझे एक ऐसा एम और बी दो जो इस इक्वेशन के वैल्यू को मिनिमाइज कर दे. मुझे एक ऐसा एम और बी चाहिए जिसकी वजह से ये पूरे इक्वेशन का जो वैल्यू है वो मिनिमम हो जाए, राइट? अब एक काम करते हैं, इस एरर फंक्शन को थोड़ा सा और डीकम्पोज करते हैं. हम अब्स्ट्रैक्शन थोड़ा थोड़ा घटा रहे, ठीक है? सो ध्यान से देखना. अब सोच के देखो, अगर कोई भी एक डिस्टेंस को आप पकड़ो, ये एक डिस्टेंस है, इसको आप पकड़ो, ये डिस्टेंस एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. सो ये डिस्टेंस ये रिप्रेजेंट करता है कि ये पॉइंट यहां होना चाहिए था, बट ये पॉइंट यहां पर है. मतलब मेरे लाइन के हिसाब से ये पॉइंट यहां पे होना चाहिए था, बट ये पॉइंट रियलिटी में यहां है, एंड दैट इज व्हाई मेरा जो लाइन है वो इस पॉइंट के ऊपर इतनी गलती कर रहा है, ठीक है?
और ये गलती आपके वाई के टर्म्स में, मतलब पैकेज के टर्म्स में, मतलब अगर आपका पॉइंट यहाँ पे होता तो उसका एक्स तब भी उतना ही होता, सीजीपीए तब भी उतना ही होता जितना ओरिजिनल में भी है, राइट? बस डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, वाई वैल्यू में. सो अकॉर्डिंग टू माई डेटा, मेरा जो एक्चुअल वाई है, मतलब इस बंदे का जो एक्चुअल पैकेज है वो यहां पर है, बट मेरा जो लाइन प्रिडिक्ट कर रहा है इस बंदे का पैकेज वो यहां पर है. सो ये जो डिस्टेंस है ना, यही एरर है उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में. मेरा मॉडल बोल रहा है तुम्हारा पैकेज कम होना चाहिए, बट रियलिटी में उसका पैकेज ज्यादा है. सो अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए, जैसे ये एक पॉइंट होगा, इसका एक एक्स और वाई वैल्यू होगा, अब ये कौन से नंबर का पॉइंट है मुझे नहीं पता, तो मैं इसके एक्चुअल वाई वैल्यू को वाई आई बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता है कौन सा पॉइंट है. और जो इसका प्रिडिक्शन हो रहा है उसको मैं वाई आई हैट बोल रहा हूँ. जनरली आप मशीन लर्निंग में हैट से रिप्रेजेंट करते हो प्रिडिक्शन को, मशीन लर्निंग मॉडल के प्रिडिक्शन को आप हैट से रिप्रेजेंट करते हो. सो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है डी आई, दिस डिस्टेंस डी आई कैन एक्चुअली बी रिटन लाइक वाई आई, मतलब एक्चुअल वाई वैल्यू माइनस वाई आई हैट. For every point, the error now can be rewritten as this formula. यहाँ पे वाई आई क्या बता रहा है, डेटा में एक्चुअल पैकेज कितना है, और वाई आई हैट क्या बता रहा है कि मेरे मॉडल के हिसाब से इस स्टूडेंट का पैकेज कितना होगा. इसमें जो डिफरेंस है यही तो हमारा एरर है हर पॉइंट के लिए, हर स्टूडेंट के लिए. और टोटल एरर क्या होगा, एक स्टूडेंट के लिए जो एरर है सारे स्टूडेंट के एरर को जोड़ दो, वही हमारा टोटल एरर है. और वो इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है. सो वट आई विल डू इज आई विल जस्ट रीराइट दिस इक्वेशन, I will just rewrite this equation like this. So error will now become sigma of I is equal to 1 से n, और यहां पे आ जाएगा आपका d i के बदले y i minus y i hat का होल स्क्वायर. अब अगर आपको एवरेज एरर निकालना है तो आप इसको 1 by n से डिवाइड कर सकते हो, बट मैं एवरेज एरर नहीं निकाल रहा, मैं टोटल एरर निकाल रहा हूं, ठीक है. बहुत जगह पे आपको दिखाई देगा लोग एवरेज एरर निकल के काम कर रहे हैं. आई एम नॉट टेकिंग एवरेज एरर, आई एम जस्ट टेकिंग द टोटल एरर. सो गाइस, हमें एक ऐसी लाइन फाइंड आउट करनी है जो इस इक्वेशन के वैल्यू को मिनिमाइज करे, क्योंकि देखो लाइंस तो बहुत सारी हो सकती हैं, ये भी लाइन हो सकती है, ये भी लाइन हो सकती है, ये भी लाइन हो सकती है, ये भी लाइन हो सकती है. हमें एक ऐसा एम और बी चाहिए जिसको जब हम इस फॉर्मूले में पुट करें तो आपका ये फॉर्मूला का जो वैल्यू है वो मिनिमम हो जाए. अब तुरंत आपके दिमाग में घंटी बजेगी और आप बोलोगे बट बॉस यहाँ पे m और b तो है ही नहीं, तो m और b का कोई भी वैल्यू के लिए ये वैल्यू कहां से चेंज होगा. वैलिड क्वेश्चन. m और b नहीं है, सामने नहीं दिख रहा है, छुपा हुआ है. ध्यान से देखो, वाई आई हैट कैलकुलेट कैसे होता है सोच के देखो. किसी भी स्टूडेंट का पैकेज कितने का लगेगा ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे. अगर आपके पास m और b है तो आप क्या करोगे, m एक्स आई प्लस बी, दिस इज योर वाई आई हैट. लाइन के इक्वेशन से ही तो निकालोगे. तो मैं बस इतना बोल रहा हूं कि आपका वाई आई हैट इज एक्चुअली इक्वल टू m एक्स आई प्लस बी, राइट? तो अगर मैं इस फॉर्मूले में इसको रिप्लेस कर दूं और मैं लिखूं e is equal to, actually अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, e is equal to sigma I is equal to 1 से n y I minus m x I minus b का whole square. So अगर आप अब ध्यान से देखो तो हमें एक ऐसा m और b चाहिए जिसके लिए इस पूरे expression का value minimum हो, राइट? अब यहाँ पे m भी है, b भी है, बाकी जो दो टर्म्स हैं ये एक्चुअली कांस्टेंट है, इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते. yi क्या है, उस पर्टिकुलर पॉइंट का पैकेज. xi क्या है, उस पर्टिकुलर पॉइंट का cgpa. ये तो डेटा में आप चेंज नहीं कर सकते. आप बस क्या चेंज कर सकते हो, m और b, बस यही दो चीजें चेंज करके आप इस एरर को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो. और ये एक्चुअली भी लॉजिकल है यार, आप सोच के देखो. आपके पास कोई भी लाइन सेगमेंट उठाने का ऑप्शन है, बट आप सिर्फ उस लाइन सेगमेंट को उठाना चाहते हो, उस एम और बी को उठाना चाहते हो जो इस इक्वेशन के वैल्यू को मिनिमाइज करते. और सोच के देखो ना यार, एक 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितनी भी लाइंस हो सकती हैं,
बट लाइंस, एक लाइन से दूसरी लाइन पे आप कैसे जाओगे? एक दूसरी लाइन आपको चूज करनी है, मान लो आपको ये लाइन पसंद नहीं है, आपको ये लाइन पे जाना है, तो आप दो ही तो ट्रांसफॉर्मेशंस करते हो 2D स्पेस में। एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब आप अपना स्लोप को फिक्स रख के इस लाइन को ऊपर या नीचे लेके आते हो, मतलब आप एम मतलब आप बी को वैरी करते हो और एम को कांस्टेंट रखते हो, राइट। और सेकंड तरीका क्या है कि आप लाइन को ऐसे ऐसे घुमाते हो अपना इंटरसेप्ट को फिक्स रख के। तो मतलब मैं बस ये बोल रहा हूँ कि ये बहुत लॉजिकल है कि आपका एरर फंक्शन एम और बी पे डिपेंड कर रहा है। सी, एरर फंक्शन इज जस्ट लाइक एनी नॉर्मल फंक्शन, जैसे कि एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि आपका जो फंक्शन है वो सिर्फ एक वेरिएबल पर डिपेंड करता है, एक्स। मतलब एक्स का वैल्यू चेंज करने पे आपका वाई का वैल्यू चेंज होगा। सो ये जो फंक्शन है ये एक्स का फंक्शन है, वेयर एज आपका जो एरर फंक्शन है वो दो चीजों का फंक्शन है, एम और बी, स्लोप एंड इंटरसेप्ट। मतलब अगर आप स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों का वैल्यू या फिर किसी एक का वैल्यू बढ़ाओगे घटाओगे तो आपके एरर फंक्शन में भी इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2D स्पेस में एक लाइन को मूव करने के दो ही तरीके हैं, या तो आप उसका स्लोप घुमा दो या फिर आप उसका इंटरसेप्ट बढ़ा घटा दो या फिर दोनों चीजें साथ में करो, राइट। एंड दैट इज वाई आपका एम और बी के ऊपर ही आपका एरर फंक्शन डिपेंड कर रहा है। सो हमने गाइस नटशेल में काफी दूरी कवर कर ली। अब हमारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है, हमारे पास एक डायरेक्शन है जहां पे हम मूव करेंगे। हमें एरर फंक्शन मिल गया है जो कि दो चीजों पर डिपेंड करता है, एम और बी, और इसको आप ऐसे लिखोगे वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बस मुझे नेक्स्ट स्टेप में इतना करना है कि मुझे एम और बी का एक ऐसा वैल्यू निकालना है जिसके लिए ये पूरा वैल्यू मिनिमम हो जाए, वही मेरा लाइन सेगमेंट है। लेट्स डू दैट। सो नाउ गाइस लेट्स डिस्कस कि जब हम बोलते हैं कि वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स तो इसका क्या मतलब है। सो आपने देखा होगा ये नोटेशन बहुत जगह, इसका मतलब होता है वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक्स के वैल्यूज को चेंज करते हो तो वाई में चेंजेस आते हैं। सो इन अ वे एक्स इज लाइक अ सेटिंग नॉब फॉर वाई, राइट। अगर ये लॉजिक को हम हमारे फंक्शन के ऊपर लगाएं, हमारे एरर फंक्शन के ऊपर, तो हमारे पास एक्चुअली दो ट्यूनिंग नॉब्स हैं, एम और बी। मतलब एम को भी घुमाने से ई में चेंजेस होंगे और बी को घुमाने से भी ई में चेंजेस होंगे, और ऑब्वियसली दोनों को घुमाने से भी ई में चेंजेस होंगे, राइट। अब मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि इंडिविजुअली एम को घुमाने पे और इंडिविजुअली बी को घुमाने पे ई में क्या चेंजेस होंगे। दैट इज आर नेक्स्ट डिस्कशन पॉइंट, ठीक है। सो आई विल डिवाइड दिस डिस्कशन इनटू टू पार्ट्स। पहले मैं इंडिविजुअली एम का बात करूंगा, फिर मैं इंडिविजुअली बी का बात करूंगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विथ एम। सो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारा जो बी है उसका वैल्यू जीरो है, इट्स अ कॉन्स्टेंट, वेरी नहीं करता। तो अब आपका ये एरर फंक्शन आप ऐसे लिख सकते हो, ई इज नाउ जस्ट द फंक्शन ऑफ एम। अब सिर्फ एक ट्यूनिंग नॉब बचा, एम। दिस इज इक्वल टू वन से लेके एन वाई आई माइनस एम एक्स आई, बी जीरो हो चुका है, स्क्वायर, राइट। अब ध्यान से देखो, मुझे पता करना है कि एम को घुमाने से ई में क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। और ये काम मैं मैथमेटिकली नहीं करूंगा, इंट्यूशन वाइज करूंगा। ध्यान से देखना, मैंने यहां पर एक ग्राफ बना लिया, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एम है, वाई एक्सिस पे ई है, ठीक है। मुझे पता करना है कि एम की हर वैल्यू के लिए ई का क्या चेंज आ रहा है। मैं वापस आपको रिग्रेशन डायग्राम दिखाता हूँ। ये हमारी लाइंस है, मतलब ये हमारे पॉइंट्स हैं, और मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये हमारा रिग्रेशन लाइन है, ओरिजिन से पास करेगा क्योंकि बी जीरो है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखो, बी कांस्टेंट है, आप बी में चेंजेस नहीं कर सकते, आप सिर्फ एम में चेंजेस कर सकते हो। तो मतलब आप बस इस तरीके से घुमा सकते हो, आप ऊपर या नीचे नहीं ले जा सकते, राइट। बस आपके पास यही मूवमेंट है। सो इसका मतलब एक लाइन ये हो सकता है, एक लाइन ये हो सकता है, एक लाइन वाई एक्सिस के ऊपर हो सकता है। सो बेसिकली इसी ओरिजिन के चारों तरफ आप 360 डिग्री पे घूम सकते हो, राइट। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी। मान लो कि अभी m का वैल्यू, मान लो अभी m का वैल्यू लेट्स से अज्यूम कर रहे हैं 10 है, ठीक है। m का वैल्यू 10 है तो एरर आ रहा है लेट्स से 50। ये सारे
मतलब इमेजिन नंबर्स हैं, ऐसा सच में नहीं होगा। मान लो कि जब m का वैल्यू 10 है तो e का वैल्यू 50 है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा घुमा दिया और मैं थोड़ा सा पॉइंट्स की तरफ आ गया। अब सोच के देखो, ये जो लाइन है ये इस पॉइंट पे ज्यादा गलतियां करेगा या फिर ये लाइन? आई गेस आपको समझ में आ रहा है कि जो सेकंड वाला लाइन है ये सिंस पॉइंट्स की तरफ मूव कर गया, ये थोड़ी कम गलतियां करेगा, राइट? लाइक यहाँ पे कुछ आएगा, मतलब जैसे आपने स्लोप को बढ़ाया तो ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। अगर आपने थोड़ा सा और बढ़ा दिया तो अब पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा। अब आपने थोड़ा सा और बढ़ा दिया तो अब गलतियां बढ़ने लग जाएंगी वापस ऐसे। आपने थोड़ा सा और बढ़ा दिया, गलतियां बढ़ने लग जाएंगी, थोड़ा सा और बढ़ा दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि m को घुमाने से e में कुछ इस तरह का चेंज आ रहा है, मतलब कि पहले बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। अब मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये परफेक्ट पैराबोलिक रिलेशनशिप है, ये कुछ ऐसा भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, हमें एग्जैक्टली अभी नहीं पता, ठीक है। बट इतना पता है कि कुछ इस तरह का कर्व है, हमने काइंड ऑफ हल्का सा देख लिया, ठीक है। अब सेम डिस्कशन करते हैं बी को पकड़ के। इस बार हम एम को कांस्टेंट मान लेते हैं, एम का वैल्यू मान लेते हैं 1। नाउ लेट्स डू द सेम डिस्कशन यूजिंग बी। तो अब क्या होगा, आपका ये जो फंक्शन है, अब ये ई जो है ये फंक्शन हो जाएगा बी का, और आपका फॉर्मूला चेंज होके बन जाएगा वाई आई माइनस एम, आई एम सॉरी नॉट एम, वाई आई माइनस एक्स आई माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं फिर से सेम काम करूं और मैं बी के लिए ई को प्लॉट करूं, तो इस बार आई गेस आपको फिर से समझ में आ रहा है कि अब आप क्या कर रहे हो, कि आप किसी भी बी वैल्यू से स्टार्ट कर रहे हो और इस बार आपका एम कांस्टेंट है, तो मतलब आप ऐसे ऐसे नहीं घुमा सकते हो, आप बस ऊपर या नीचे लेके जा सकते हो, राइट? अब मान लो आपने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, बी का वैल्यू 10 है और इस पॉइंट पे ई का वैल्यू, मतलब एरर जो है, ये जो सारा एरर है ये मान लो अभी 50 है, तो आपने यहां से स्टार्ट किया। अब आप इस लाइन को थोड़ा ऊपर लेके गए और आपने ये लाइन पकड़ा, ऑब्वियसली ये लाइन कम गलतियां करेगा तो आपका एरर कम हो जाएगा। फिर आप थोड़ा ऊपर लेके जाओगे, गलतियां फिर से बढ़ जाएंगी। सो यहां पर भी यू कैन सी कि एक सिमिलर रिलेशनशिप आ रहा है ई और बी के बीच में, नॉट द एग्जैक्ट रिलेशनशिप, अगेन ये कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, बट कुछ इस तरह का रिलेशनशिप है। सो इन शॉर्ट, अगर मैं आपसे बोलूं बी और ई का रिलेशनशिप कुछ इस तरीके का है और ई और एम का रिलेशनशिप भी कुछ इस तरीके का है, अब हम दोनों को साथ में लेते हैं और एक 3D ग्राफ प्लॉट करते हैं जहां पे इस तरफ बी है, इस तरफ एम है और यहाँ पे ई है। अब आपको इमेजिन करना है कि ये जो ग्राफ होगा 3D में ये कैसा होगा। मैं आपको हेल्प करता हूँ बाय शोइंग यू कि एक्चुअली कैसा होता है। सो मुझे बस ये टर्म सर्च करना है, ग्रेडियंट डिसेंट जिफ, और मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये ग्राफ किस तरीके का होता है। दिस इज एक्चुअली एन इमेज, इसको मैं नए टैब में ओपन करता हूँ, ओपन इमेज इन न्यू टैब, एंड या गाइस ये देखो। सो इन लोगों ने θ1 और θ0 से रिप्रेजेंट किया है एम और बी को, और जे है अपना एरर फंक्शन, ठीक है। सो यू कैन सी ये जो एरर फंक्शन है ये एक्चुअली एक पहाड़ी और खाई के फॉर्म में है, राइट? पहाड़ी और खाई के फॉर्म में। व्हाट आई विल डू इज आई विल कॉपी दिस इमेज, आई विल गो बैक एंड आई विल पेस्ट इट ओवर हियर, जस्ट गिव मी 1 मिनट यार। या अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में बात करते हैं, विस्तार से चर्चा। यस, सो गाइस देखो, हमारा एरर फंक्शन कुछ ऐसा होगा कि वहां पे आपके पास पहाड़ होंगे, लाइक आपका सर्टेन एम, मैं इनफैक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस थिंग इज एम एंड दिस थिंग इज बी। सो अगर आप समझने का ट्राई करो इस ग्राफ को, तो फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ एम एंड बी आपका एरर मैक्सिमम होगा लाइक दिस, राइट? और फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ एम एंड बी आपका वैल्यू एरर का मिनिमम होगा। सो जब भी आप पहाड़ पे हो,
आप ऐसे एम और बी के वैल्यू के ऊपर काम कर रहे हो जिससे एरर बढ़ रहा है, और जब भी आप खाई में हो तो आप ऐसे एम और बी के वैल्यू पे काम कर रहे हो जो मिनिमम कर रहा है एरर को। तो ऑब्वियसली हमें कैसा एम और बी का वैल्यू चाहिए? हमें वैसा एम और बी का वैल्यू चाहिए जहां पे एरर फंक्शन का जो वैल्यू है वो मिनिमम। यही तो हमारा फॉर्मुलेशन था। बट हमें कैसे पता चलेगा एम और बी का वो वैल्यू इस पूरे पहाड़ और खाई के बीच में? आई गेस आपने इतना कैलकुलस पढ़ा है और आपने मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। आपको भी पता होगा कि अगर आप अपने एक एरर फंक्शन के इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करके उसको जीरो के इक्वल कर दो तो आपको पता चल जाता है कि सी मतलब मैं एक पॉइंट स्किप कर गया कि जब भी आप मिनिमम पे होगे तो आपका जो स्लोप होगा वो जीरो होता है, राइट? और स्लोप निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? डेरिवेटिव निकाल के इक्वल टू जीरो करना होता है, राइट? तो हम वही करेंगे, हम हमारे एरर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे बोथ विथ रिस्पेक्ट टू एम एज वेल एज बी, और दोनों को हम इक्वल टू जीरो करेंगे। मतलब अगर ये सिंगल इक्वेशन होता, सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रहा होता, तो मैं सिंपली डीई बाई डी एक्स निकाल के जीरो कर देता। बट ये जो इक्वेशन है ये एक्चुअली ऐसा है कुछ, एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एज वेल एज वाई, सो ई इज अ फंक्शन ऑफ एम एज वेल एज बी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पार्शियल डेरिवेटिव्स यूज करने पड़ेंगे। सो मुझे डेल ई बाई डेल एम निकाल के जीरो करना पड़ेगा और मुझे डेल ई बाई डेल बी इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा। और इन दोनों को सॉल्व करने से मुझे दो इक्वेशंस मिलेंगी, और उन दो इक्वेशंस से हमारे पास दो अननोन्स हैं एम और बी। हम इन दोनों का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड दैट इज द वे फॉरवर्ड। सो अभी तक हमने एकदम स्क्रैच से स्टार्ट किया डिस्कशन, अब हम इस पॉइंट पे पहुंच गए कि हमें डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू जीरो करके एम और बी का वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है, वही हम नेक्स्ट करेंगे। सो बस गाइज अब यहाँ से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ मैथ्स लगाना है। पहले हम बी वाला सॉल्व करेंगे और फिर जब बी का इक्वेशन मिल जाएगा तो हम एम सॉल्व करेंगे, ठीक है? दैट्स द प्लान। सो लेट्स स्टार्ट। सो वी हैव टू फाइंड आउट डेल ई बाय डेल बी, और दिस विल बी इक्वल टू डेल बाय डेल बी, और मेरा जो इक्वेशन है वो ये है, वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है? अब ये समेशन से डरने की जरूरत नहीं है गाइस, आप ऐसे समझो कि हर स्टूडेंट के लिए एक बार आपको डिफरेंशिएट करना है, यही मतलब है। तो आप चुपचाप क्या कर सकते हो, इस समेशन को बाहर निकाल सकते हो, डिफरेंशिएशन को अंदर भेज सकते हो। सो यू कैन रीराइट इट लाइक दिस, बाय द वे इसको आपको इक्वल टू जीरो करना है। सो यू कैन रीराइट इट लाइक दिस, सिग्मा, मैं बार बार आई इक्वल टू वन से लेके एन नहीं लिख रहा हूँ, आपको अब समझ में आ चुका है, डेल बाय डेल बी ऑफ वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये मुझे करना है। अब ऑब्वियसली ये डिफरेंशिएशन करने के लिए मुझे चेन रूल लगाना पड़ेगा, आई होप आपको चेन रूल पता है, अदरवाइज आप एक यूट्यूब सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा। सो सिग्मा बाहर है और चेन रूल लगाने पे यहाँ जाएगा टू, ये वाला टू बाहर आ जाएगा, और आप मल्टीप्लाई करोगे वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस बी से, और फिर आप इस पूरी चीज को डिफरेंशिएट करोगे। तो इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू बी जीरो हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू बी जीरो हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू बी माइनस वन आ जाएगा। सो वो माइनस वन आप यहाँ पे लगा सकते हो, माइनस टू, ठीक है, इक्वल टू जीरो, राइट? अब दोनों साइड अगर आप माइनस टू से डिवाइड कर दो तो आपके पास बचेगा सिग्मा ऑफ वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस बी इक्वल टू जीरो। मैं यहां लेके आ रहा हूँ सारी चीज को। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि हर टर्म को मैं अलग कर सकता हूँ सिग्मा के साथ। सो मैं लिखूंगा सिग्मा वाई आई माइनस सिग्मा एम एक्स आई माइनस सिग्मा बी इक्वल टू जीरो, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड में एन से डिवाइड कर दे रहा हूँ। एन आपको याद होगा, एन इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो इसको मैंने एन से डिवाइड कर दिया, इसको मैंने एन से डिवाइड कर दिया, इसको मैंने एन से डिवाइड कर दिया, इसको मैंने एन से डिवाइड कर दिया। नाउ बहुत सिंपल है गाइस, अब आप देखो ये क्या है, ये है सिग्मा आई इज इक्वल टू वन से एन वाई आई डिवाइडेड बाय एन, मतलब मीन ऑफ वाई। सो आप क्या करोगे, इसको लिख लोगे वाई बार, और अगर मैं यहां से एम को बाहर निकाल लूं तो बाकी का जो टर्म है सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाय एन वो भी क्या है, मीन ऑफ एक्स।
और अब यहां पे देखो सिग्मा बी क्या है. सो मेरे पास अगर एन पॉइंट्स है तो बेसिकली मैं बोल रहा हूँ बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी डॉट 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 प्लस बी एन टाइम्स. तो ये हो जाएगा एन बी. सो ये आ जाएगा एन बी डिवाइडेड बाई एन इक्वल टू जीरो. ये एन और ये एन कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा वाई बार एम एक्स बार इक्वल टू बी, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो बी इज इक्वल टू वाई बार माइनस एम एक्स बार. ये रहा गाइस मेरा इक्वेशन. पर गेस व्हाट, जब मैंने आपको शुरू में दिखाया था वो यही था. ये देखो इस पे फोकस करो. राइट, निकाल लिया हमने. अब हम इस बी को फिट करेंगे सेकेंड वाले में और हमें एम का इक्वेशन निकालना है. ठीक है, सो नाउ व्हाट आई विल डू इज मैं ई के इक्वेशन में पहले तो बी का वैल्यू फिट करूंगा. सो ई का इक्वेशन ये है वाई आई माइनस एम एक्स आई और माइनस बी है, तो मैं ये वाला टर्म फिट करूंगा. तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वाई बार प्लस एम एक्स बार का होल स्क्वायर. नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू फाइंड आउट द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू एम. सो फिर से सेम काम हो जाएगा, सिग्मा बाहर आ जाएगा और आपको लिखना है डेल ऑफ डेल एम वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस वाई बार प्लस एम एक्स बार का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो. और फिर से चेन रूल अप्लाई होगा. सो आपका पूरा का पूरा ये टर्म टू टाइम्स बाहर आ जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे सिग्मा है, माइनस एम एक्स आई माइनस वाई बार प्लस एम एक्स बार. ठीक है, और फिर आपको डिफ्रेंशिएट करना है इस पूरी चीज को. सो एक एक करके अगर आप डिफ्रेंशिएट करो तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म से आएगा माइनस एक्स आई, ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म से आएगा प्लस एक्स बार. ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, यहां से माइनस वन निकाल सकते हैं. सो दिस एंटायर थिंग विल बिकम माइनस टू वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस वाई बार प्लस एम एक्स बार, और यहां पे आ जाएगा एक्स बार बाहर नहीं आएगा, जस्ट वन सेकेंड, एक्स आई माइनस एक्स बार इक्वल टू जीरो. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल मैनिपुलेशन है यार. ये माइनस टू से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास बचेगा सिग्मा ऑफ वाई आई माइनस एम एक्स आई माइनस वाई बार प्लस एम एक्स बार एक्स आई माइनस एक्स बार इक्वल टू जीरो. ठीक है, अब अंदर थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करते हैं यहाँ पे. सो दिस वुड बिकम सिग्मा ऑफ वाई आई माइनस वाई बार. ठीक है, और अगर मैं माइनस एम कॉमन निकाल लूं तो अंदर आएगा एक्स आई माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय एक्स आई माइनस एक्स बार इक्वल टू जीरो. राइट, अब मैं ये अंदर मल्टीप्लाई करूं अगर टर्म तो आएगा सिग्मा वाई आई माइनस वाई बार एक्स आई माइनस एक्स बार माइनस एम एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो. अब अगर मैं सिग्मा अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा सिग्मा वाई आई माइनस वाई बार एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू एम टाइम्स सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर. और अब अगर मैं m निकालूं तो m हो जाएगा सिग्मा i इज इक्वल टू वन, आई इज इक्वल टू वन, और ये आ जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार, यहाँ पे n होगा और यहाँ पे होगा सिग्मा i इज इक्वल टू वन से n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर. एंड दैट इज योर m गाइस, दैट इज योर m. राइट, यही सेम m अगर आपने नोटिस किया होगा तो ऊपर था यहां पर. सी सेम चीज हमने नीचे कैलकुलेट किया. ठीक है, सो दैट्स इट. हमने m और b का वैल्यू एग्जैक्टली स्क्रैच से फर्स्ट प्रिंसिपल्स के थ्रू कैलकुलेट किया
अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। इन दोनों वैल्यूज को यूज करके वी विल क्रिएट अ पाइथन क्लास जो एग्जैक्टली वही काम करेगा जो scikit-learn का लीनियर रिग्रेशन क्लास करता है। सो लेट्स डू दैट। सो गाइज नाउ आई विल जस्ट क्रिएट न्यू क्लास, कुछ भी नाम दे दूंगा मैं उस क्लास का, और मैं एक फुल फ्लेज्ड क्लास बनाऊंगा जहाँ पे आप अपने मॉडल को ट्रेन भी कर सकते हो, अपने मॉडल को टेस्ट भी कर सकते हो, एज इन रन भी प्रिडिक्ट भी कर सकते हो, ठीक है? तो सी बहुत सिंपल है, यू हैव टू स्टार्ट विद अ क्लास। लेट्स से हमने इस क्लास का नाम रख दिया मेरा LR, मेरा लीनियर रिग्रेशन। आपको क्लास है तो इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर डालना पड़ेगा, ये रहा मेरा कंस्ट्रक्टर, और इनिशियली मैं दो चीजों को इनिशियलाइज कर रहा हूँ, m इसका वैल्यू शुरू में नन है और b इसका भी वैल्यू शुरू में नन है। अब सिंस ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है इसमें दो मेथड्स तो होने ही चाहिए। फर्स्ट होगा फिट, जिसको आप यूज करते हो टू ट्रेन योर मॉडल। तो इसको दो चीजें मिलेंगी, एक मिलेगा एक्स ट्रेन और एक मिलेगा वाई ट्रेन, और इसके अंदर कुछ कोड होगा, और इसके अलावा एक फंक्शन और होगा प्रिडिक्ट बोल के, इसमें आपको सिर्फ एक इनपुट मिलेगा और वो है एक्स टेस्ट, और इसके अंदर भी कुछ कोड होगा, ठीक है? अब हमें क्या करना है, बहुत सिंपल है, हमें यहाँ से एक्स ट्रेन मिलेगा और वाई ट्रेन मिलेगा और हमें अपने मॉडल को ट्रेन करना है। लीनियर रिग्रेशन में मॉडल को ट्रेन करने का मतलब है एम और बी का वैल्यू कैलकुलेट करना, ठीक है? मैं एक काम और कर रहा हूँ, मैं साथ ही साथ जो कोड है जो इस क्लास को यूज करेगा वो भी लिख लेता हूँ, सो दैट मैं आपको साथ ही साथ चला के दिखा पाऊँ। सो आई एम गोइंग टू यूज द सेम डेटा सेट जो मैंने लास्ट वीडियो में यूज किया था, प्लेसमेंट वाला। सो दैट वॉज प्लेसमेंट डॉट सी एस वी, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ मैं, एंड दिस इज डी एफ डॉट हेड, दिस वॉज द डेटा सेट। अब मैं यहाँ पे एक्स और वाई अलग अलग एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। सो एक्स वुड बी डी एफ डॉट आई लॉक सारे रोज जीरोथ कॉलम डॉट वैल्यूज। डॉट वैल्यूज क्यों किया मैंने, क्योंकि मैं नंपा यार एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, और वाई इज इक्वल टू डी एफ डॉट आई लॉक फर्स्ट कॉलम डॉट वैल्यूज, ठीक है? सो ये रहा मेरा एक्स, ये मेरे सारे सी जी पी ए वैल्यूज हैं, और ये रहा मेरा वाई, ये मेरे सारे पैकेज कितने का लगा ये वाले वैल्यूज हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करूंगा, सो आई विल राइट एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट, और यहां पे मैं लिखूंगा एक्स कॉमा वाई कॉमा टेस्ट साइज इक्वल्स 0.2 एंड रैंडम स्टेट इक्वल्स 2। हमने लास्ट वीडियो में भी रैंडम स्टेट 2 रखा था, ठीक है? अब मुझे बस क्या करना है, मैं आपको बस एक काम करके दिखाता हूँ कि मैं आपको इस पॉइंट पे यहाँ पे आई विल क्विकली प्रिंट आउट एक्स ट्रेन डॉट शेप। इससे मुझे ये समझ में आ जाएगा कि मेरा डेटा सही से मेरे पास आ रहा है कि नहीं, ठीक है? सो इस पॉइंट पे मेरा एक्स ट्रेन का शेप यहाँ पर है 160, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ LR, मेरा LR क्लास का, ठीक है? और LR के पास अब फिट और प्रिडिक्ट ये दोनों मेथड्स हैं। यहाँ पे आई विल पास माई एक्स ट्रेन कॉमा माई वाई ट्रेन, एंड यू कैन सी मेरे पास सेम शेप आ रहा है। सो इसका मतलब मैं यहाँ पे एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन रिसीव कर पा रहा हूँ, ठीक है? अब मुझे क्या करना है गाइस, बहुत सिंपल है, मेरे पास ये दोनों तरीके हैं एम और बी कैलकुलेट करने का। मैं पहले एम कैलकुलेट करूंगा, और एम कैलकुलेट करने के लिए भी मैं फर्स्ट न्यूमरेटर कैलकुलेट करूंगा। आई विल कैलकुलेट दिस न्यूमरेटर, और फिर मैं अलग से कैलकुलेट करूंगा डिनोमिनेटर, दोनों को डिवाइड करने से मुझे m मिल जाएगा, ठीक है? तो पहले मुझे क्या करना है, मुझे न्यूमरेटर कैलकुलेट करना है। अब न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर इज बेसिकली आप अपने हर रो के लिए, अपने हर पॉइंट के लिए, हर स्टूडेंट के लिए आप ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे, आप हर स्टूडेंट के लिए ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे, और फिर हर स्टूडेंट का जो ये वैल्यू आएगा उसको जोड़ दोगे, यही आपका न्यूमरेटर है। तो देखो कुछ करना नहीं है हमें,
हम यहां पर एक लूप चलाएंगे, अब ये कोड लिखने का कोई पॉइंट नहीं है, हम ये लूप चलाएंगे फॉर आई इन द रेंज ऑफ एक्सट्रीम डॉट शेप का 0, ठीक है। ये लूप 160 टाइम्स घूमेगा, बिकॉज अगर आप इस कोड को रन करो बाहर आकर के भी तो यू वुड सी 160 है। तो ये जो कोड है हमारा ये 160 टाइम्स घूमेगा, और मैं यहाँ पर सेल्फ, एक्चुअली मैं यहाँ पर एक न्यूमरेटर बोल के एक वेरिएबल बना रहा हूँ जो इनिशियली 0 है, डिनोमिनेटर बोल के एक वेरिएबल बना रहा हूँ जो इनिशियली 0 है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले फॉर एवरी स्टूडेंट, जितनी बार ये लूप चल रहा है उतनी बार मैं एक स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है उसके लिए ये दोनों वैल्यूज निकालनी है, एक्स आई और एक्स बार। एक्स आई क्या है, एक्स ट्रेन का आई एथ वैल्यू, ठीक है, अगर फर्स्ट स्टूडेंट है तो फर्स्ट स्टूडेंट का सी जी पी ए, माइनस एक्स ट्रेन का मीन, राइट। मतलब सोच के देखो, मेरा एक्स ट्रेन जब मैं पहले स्टूडेंट का बात करूंगा तो ये पहले स्टूडेंट का सी जी पी ए है, ठीक है, ये मेरे फर्स्ट स्टूडेंट का सी जी पी ए है एक्स ट्रेन के अंदर। अगर मैं एक्स ट्रेन प्रिंट कराऊं यू वुड सी कि पहले स्टूडेंट का सी जी पी ए 7.14 है, ठीक है। और अगर मैं मीन निकालू तो मीन इज दिस, ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैंने ये निकाला फॉर द फर्स्ट स्टूडेंट, और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है विथ वाई ट्रेन का फर्स्ट आइटम, फर्स्ट आइटम एज इन आईथ आइटम, माइनस वाई ट्रेन का मीन, राइट। और ये जो पूरा वैल्यू आ रहा है, दिस एंटायर वैल्यू, ये हर स्टूडेंट का वैल्यू है, मैं न्यूमरेटर में इसको ऐड कर दे रहा हूँ और फिर वापस न्यूमरेटर में डाल दे रहा हूँ। सो पहली बार न्यूमरेटर 0 है, जब आप फर्स्ट स्टूडेंट का बात कर रहे हो तो आप फर्स्ट स्टूडेंट के लिए ये वैल्यू कैलकुलेट करके न्यूमरेटर में डाल दे रहे हो, फिर जब आप सेकेंड स्टूडेंट का बात कर रहे हो तो आप सेकेंड स्टूडेंट के लिए ये वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो और फर्स्ट स्टूडेंट का जो वैल्यू था उसमें ऐड कर दे रहे हो, और ऐसा आप 160 टाइम्स कर रहे हो, यही आपका न्यूमरेटर है, ठीक है। और डिनोमिनेटर आपको पता है, डिनोमिनेटर के केस में आपको क्या करना है, आपको लिखना है डिनोमिनेटर प्लस, आपको बेसिकली एक्स आई माइनस एक्स बार को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है। सो आपको बस इसको कॉपी करना है और फिर से इसी को पेस्ट कर देना है लाइक दिस, दिस इज योर डिनोमिनेटर, ठीक है। और इतना करके आप लूप से बाहर निकलोगे, कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा, आई जस्ट चेक, आप बाहर निकलोगे लूप से, पता नहीं ये टैब क्यों मिसबिहेव कर रहा है, और आप लिखोगे सेल्फ डॉट एम इज इक्वल टू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, दैट्स योर स्लोप, और फिर आप बी कैलकुलेट करोगे, सेल्फ डॉट बी इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है वाई ट्रेन डॉट मीन माइनस स्लोप मल्टीप्लाइड बाय एक्स ट्रेन डॉट मीन। सो आप लिखोगे वाई ट्रेन डॉट मीन माइनस एम, एम एज इन सेल्फ डॉट एम मल्टीप्लाइड बाय एक्स ट्रेन डॉट मीन, और इसको मैं एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ रीडेबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए। और अब मैं एक बार आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ कि आपका सेल्फ डॉट एम क्या है और आपका सेल्फ डॉट बी क्या है, ठीक है, इनवैलिड सिंटेक्स, ओके। सो यहाँ पे एक ब्रैकेट लगेगा, अभी भी सो या गाइस, मैंने कुछ ब्रैकेट्स मिसमैच कर दिए थे, नाउ इट इज फाइन। और अब इस कोड को रन करते हैं, रन हो गया, और अब हम क्या करेंगे, फिर से एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और अब lr डॉट फिट करने पे यू कैन सी मेरा m वैल्यू ये है और मेरा b वैल्यू ये है। अब अगर आपको याद है हमने लास्ट वीडियो में
साइकिट लर्न यूज किया था. सी हमने साइकिट लर्न यूज करके सेम काम किया था विद सेम रैंडम स्टेट एंड ऑल. सो वहां पे अगर आपको याद होगा हमने लास्ट में जाके एक चेक किया था कि हमारा एम क्या है और हमारा बी क्या है. इफ यू रिमेम्बर वहां पे हमारा एम आ रहा था ये 0.55 और वहां पे हमारा बी आ रहा था 0.89611. ये रहा एज इट इज सेम बिकॉज मैंने आपको बोला लीनियर रिग्रेशन जो साइकिट लर्न वाला है वो इंटरनली सेम फॉर्मूला यूज कर रहा है. ठीक है, अब मैं आपको जल्दी से टेस्ट का कोड लिख के दिखाता हूँ, एज इन प्रिडिक्ट का कोड लिख के दिखाता हूँ. सो कभी भी मुझे अगर कोई एक्स टेस्ट मिलेगा मुझे सिंपली क्या रिटर्न कर देना है, मुझे रिटर्न करना है एम एक्स प्लस बी. सो आई वुड राइट सेल्फ डॉट एम मल्टीप्लाइड बाय एक्स टेस्ट प्लस सेल्फ डॉट बी, दैट्स इट. सो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे हमने शायद कैलकुलेट किया था किसी के लिए, तो हमने कैलकुलेट किया था एक्स टेस्ट 0 के लिए 3.889 आ रहा था. ठीक है, हम सेम काम करेंगे, हम एक्स टेस्ट 0 के लिए कैलकुलेट करेंगे. सो ये ना मेरा एक्स टेस्ट और उसका 0th आइटम इज दिस. मैं लिखूंगा एल आर डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट का 0 और शायद मैंने मैंने रिटर्न तो किया है, इट्स नॉट वर्किंग. व्हाट इफ आई प्रिंट इट, और रादर आई प्रिंट इट ओवर हियर, लेट्स सी. नन वैल्यू आ रहा है, नन क्यों आ रहा है? हमारे पास एक्स टेस्ट आ रहा है और एक्स टेस्ट में हम जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक काम करते हैं, ये फालतू का डिबगिंग हो गया गाइस, आई एम सॉरी. एक्स टेस्ट को प्रिंट करते हैं. सो अगर मैं यहाँ पे जाऊं और मुझे फिर से, ओहो माय बैड, मैंने दोबारा ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं. ऑब्जेक्ट मतलब सिंस हमने यहाँ पे चेंजेस किए क्लास में, तो आपको फिर से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, दैट वाज द मिस्टेक. ये रहा मेरा स्लोप और बी का वैल्यू और मैं यहाँ पे आके लिख रहा हूँ, ये रहा 8.58 जो मेरा वैल्यू है वो जा रहा है और 3.89 प्रिडिक्ट हो रहा है. एग्जैक्टली यही चीज यहाँ पे प्रिडिक्ट हुई थी गाइस. सो दैट्स इट, हमने बना दिया एक खुद का एल्गोरिदम और ये काम कर रहा है. ठीक है, देर इज ओनली वन प्रॉब्लम विद दिस इम्प्लीमेंटेशन. ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के लिए काम नहीं करेगा. वेयर एज जब आप साइकिट लर्न वाला इम्प्लीमेंटेशन यूज करोगे तो ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का भी काम कर देता है. बट डोंट वरी, हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ेंगे और इस कोड को ऐसे इंप्रूव करेंगे कि ये सिंपल वाला केस भी हैंडल कर लेगा, मल्टीपल वाला केस भी हैंडल कर लेगा. ठीक है, अब आपका टास्क क्या है, आप ये कोड खुद से लिखो. अगर आपको चीजें समझ में आ गई, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते. ठीक है, इट्स फेयरली सिंपल, फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट. ठीक है, और यही करने से तो आप सीखोगे, राइट? सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप यू लाइक इट. इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपने कभी भी किसी डेटा सेट के ऊपर कोई रिग्रेशन एल्गोरिदम अप्लाई किया है तो हाउ कुड यू नो कि आपने जो एल्गोरिदम अप्लाई किया है वो कितना अच्छे से काम कर रहा है. बेसिकली हम रिग्रेशन की एफिशिएंसी निकालेंगे कि रिग्रेशन कितने बढ़िया से काम कर रहा है. ठीक है, सो ये पता करने के लिए आपके मशीन लर्निंग के यूनिवर्स में देर आर मल्टीपल मेट्रिक्स. ठीक है, हम लोग उनमें से 5 मेट्रिक्स आज देखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो हम लोग जो 5 मेट्रिक्स देखने वाले हैं, इनका नाम शायद आपने पहले भी सुना होगा. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एम ए ई एज इन मीन एब्सोल्यूट एरर. हम फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे एम एस ई मीन स्क्वेर्ड एरर. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आर एम एस ई रूट मीन स्क्वेर्ड एरर और उसके बाद वी विल डिस्कस आर टू स्कोर. इसको हम कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी बोलते हैं और लास्टली वी विल डिस्कस एडजस्टेड आर टू स्कोर. सो आज के वीडियो का मेन गोल है कि आपको ये 5ों मैट्रिक्स के पीछे का मैथ्स समझाना है और ज्योमेट्रिक इंट्यूशन समझाना है और फिर लास्ट में आई विल शो यू कि साइकिट लर्न को यूज करके आप इन मैट्रिक्स को कैसे यूज कर सकते हो. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो द फर्स्ट मैट्रिक इज एम ए. ठीक है,
एमएई बहुत सिंपल है. आई विल क्विकली शो यू कि अगर आप एक रिग्रेशन प्रॉब्लम में काम कर रहे हैं, लेट्स से हम एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं जहां पे आपके पास एक इनपुट डेटा है और एक आउटपुट डेटा है, ठीक है. एंड लेट्स से आपके एल्गोरिदम ने ये रिग्रेशन लाइन ड्रॉ किया. लेट्स से दिस इज द रिग्रेशन लाइन. इनफैक्ट मैं इसको थोड़ा सा और बेटर बनाता हूँ. व्हाट आई विल डू इज जस्ट टू मेक माय पॉइंट क्लियर, मैं थोड़ा दूर दूर पॉइंट्स को ड्रॉ कर रहा हूँ और मान लो ये हमारा रिग्रेशन लाइन है, ठीक है. अब अगर आपको एमएसई आई एम सॉरी एमएई कैलकुलेट करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर, तो इट्स वेरी सिंपल. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हर पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपका जो लाइन है या फिर आपका जो मॉडल है जितनी गलती कर रहा है वो आपको निकालना है. जैसे कि ये फर्स्ट पॉइंट है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, राइट. सो अकॉर्डिंग टू डेटा इसका वाई वैल्यू इतना है, बट अकॉर्डिंग टू द मॉडल वाई वैल्यू इतना होना चाहिए. इसका मतलब वाई वन ये है और वाई वन हैट ये है. सो ये जो डिस्टेंस है दिस इज द एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट क्यों? क्योंकि हम इसका साइन कंसिडर नहीं करेंगे, इस डिस्टेंस का साइन कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये एरर दोनों साइड हो सकता है. कुछ पॉइंट्स ऊपर हो सकते हैं, कुछ पॉइंट्स नीचे हो सकते हैं. तो वी विल टेक दिस, वी विल टेक वाई वन माइनस वाई वन हैट. यहाँ पे वाई वन क्या है? डेटा में जो मेरा वाई था फॉर द फर्स्ट रो. और वाई वन हैट क्या है? अकॉर्डिंग टू माई एल्गोरिदम जो प्रिडिक्शन आया, ठीक है. सिमिलरली फॉर द सेकेंड पॉइंट, इस पॉइंट के लिए आपका एक्चुअल वैल्यू इज दिस बट आपका प्रिडिक्टेड वैल्यू इज दिस. तो दिस डिस्टेंस इज वाई टू माइनस वाई टू हैट. और ऐसा आप हर पॉइंट के लिए करते जाओगे. अगर आपके पास एन पॉइंट्स हैं तो ये नंबर बढ़ करके हो जाएगा वाई एन माइनस वाई वन हैट का मॉड. अब ये हो गया टोटल एब्सोल्यूट एरर, बट मुझे निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर. तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी चीज को नंबर ऑफ पॉइंट से डिवाइड कर दूंगा, दैट इज एन. नंबर ऑफ पॉइंट्स मतलब नंबर ऑफ रोज से डिवाइड कर दूंगा. और इसको थोड़े कॉम्प्लेक्स नोटेशन में अगर आप लिखना चाहो तो एम ए वुड बी इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू वन से एन मॉड ऑफ वाई आई माइनस वाई आई हैट डिवाइडेड बाय एन. दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है. दिस इज द फॉर्मूला. अब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं इस मैट्रिक का. क्योंकि अगर एक ही मैट्रिक परफेक्ट होता तो आप सिर्फ वही यूज करते. यहाँ पे पांच पांच है, तो इसका रीजन ये है कि कुछ सेट्स ऑफ डेटा में आपका एक मैट्रिक अच्छा परफॉर्म करेगा और दूसरे सेट्स में कोई दूसरा डेटा मैट्रिक अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है. सो यहाँ पे अगर आप एडवांटेज का बात करो, व्हाट इज द एडवांटेज? सो द फर्स्ट एडवांटेज इज कि ये जो नंबर आता है जब आप ये कैलकुलेट करते हो तो एंड में आपको एक नंबर मिलता है विच इज बेसिकली द लॉस. मीन एब्सोल्यूट एरर इज द लॉस. आपका काम होता है उस नंबर को कम से कम करना. आपका जो लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम होगा या कोई भी रिग्रेशन एल्गोरिदम होगा वो हमेशा चाहेगा कि आपका मीन एब्सोल्यूट एरर कम से कम आए. क्योंकि सोच के देखो ना, अगर मीन एब्सोल्यूट एरर जीरो है तो इसका मतलब ये ऊपर वाला टर्म जीरो है. और ये ऊपर वाला टर्म जीरो सिर्फ तभी हो सकता है जब ये लाइन हर पॉइंट के ऊपर से पार करे. दैट इज द परफेक्ट सिनेरियो, राइट. तो द होल आइडिया इज टू रिड्यूस द मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है. अब यहां पर एक चीज जो अच्छी होती है वो ये है कि ये जो नंबर आता है एंड में, ये नंबर इज एग्जैक्टली इन द यूनिट्स ऑफ वाई. मतलब कि अगर मान लो आपका एक्स है सीजीपीए और आपका वाई है कि पैकेज कितने का लगेगा इन एलपीए लैक्स पर एनम, ठीक है. तो ये जो आपका एमई आएगा, मान लो ये एमई आया 1.5, तो ये एलपीए में ही आ रहा है. तो मतलब एमई का जो यूनिट है और आपका जो आउटपुट कॉलम का यूनिट है वो सेम रहता है. तो बहुत इजी हो जाता है कम्युनिकेट करना कि अभी मेरा मॉडल 1.5 का लॉस दे रहा है, तो सामने वाला भी समझ सकता है कि अच्छा 1.5 एलपीए का लॉस दे रहा है तो हमें उसको और थोड़ा सा घटाना चाहिए, ठीक है. तो ये आई गेस आपको समझ में आया. दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज. यहाँ पे आप लिख सकते हो सेम यूनिट, ठीक है. सेकेंड एडवांटेज इज कि अगर आपके डेटा में कोई आउटलायर है तो थोड़ा रोबस्ट है ये आउटलायर्स के लिए.
दिस इज रोबस्ट टू आउटलायर्स, आउटलायर्स को हैंडल कर सकता है, ठीक है। अभी आप आगे जब एमएससी पढ़ोगे मीन स्क्वायर्ड एरर, वहां पे आप देखोगे कि आउटलायर्स के केस में वो बिल्कुल पागल हो जाता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। इसको भी फर्क पड़ता है आउटलायर से, लेकिन कम फर्क पड़ता है, रिलेटिवली कम फर्क पड़ता है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिसएडवांटेज। इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज आ जाता है वो ये है कि ये जो मॉडुलस फंक्शन है, यहाँ पे हम मॉडुलस फंक्शन यूज कर रहे हैं, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक्स विथ मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसकी वजह से मीन स्क्वायर्ड एरर को आना पड़ा, ठीक है। सो द ग्राफ इज नॉट डिफरेंशिएबल, और आप बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स लगाते हो लाइक ग्रेडियंट डिसेंट एंड ऑल, जहां पे आपको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो करके चीजों को निकालना है, वहां पे डिफरेंशिएट ठीक से हो नहीं पाता है। तो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रेस्ट्रिक्शन दैट वी हैव विथ एमई, ठीक है। और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एमएससी, जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट एमएससी। एमएससी का फुल फॉर्म होता है मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर, ठीक है। और अगर मैं आपको फिर से ड्रॉ करके चीजें दिखाऊं, तो लास्ट टाइम आपने देखा था कि आपका एम ए ई वॉज मॉड ऑफ वाई आई माइनस वाई आई हैट का और डिवाइडेड बाय एन, दिस वॉज एम एस सी, सॉरी एम ए, ठीक है। अब अगर आप बात करो कि एम एस ई क्या होता है, तो एम एस सी में बस आप एक छोटा सा चेंज कर देते हो कि आप रादर देन यूजिंग द मॉड यू यूज द स्क्वायर फंक्शन वाई आई माइनस वाई आई हैट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। कुछ चेंज नहीं हुआ, बस आपने इस मॉडुलस को रिमूव कर दिया और उसके बदले आप ले आए स्क्वायर, ठीक है। अगर आपने मेरा लीनियर रिग्रेशन वाला वीडियो देखा होगा, तो वहां पे आपने नोटिस किया होगा कि हमने एमएससी को ही एज आवर लॉस फंक्शन यूज किया था, ठीक है। और वन रीजन वॉज कि स्क्वायर फंक्शन जो होता है उसका ग्राफ इज डिफरेंशिएबल एट ऑल द पॉइंट्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। अब अगर आप ज्योमेट्रिकली विजुलाइज करना चाहते हो कि एमएससी क्या रिप्रेजेंट करता है, तो लेट मी शो यू। मान लो कि ये हमारा रिग्रेशन लाइन है, ठीक है। मैं थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, इसको नहीं कर पाया जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। अब एमएससी क्या रिप्रेजेंट करता है, एमएससी ये रिप्रेजेंट करता है, ये आपका, ये तो हो गया आपका एमए, बस इसको स्क्वायर कर देना है, तो आप एक्चुअली ये स्क्वायर फाइंड कर रहे होते हो, this square, this is the squared distance, like ये हो गया, ये जो भी मैंने स्क्वायर बनाया ये रिप्रेजेंट कर रहा है y1 minus y1 hat का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसका बात करो तो this will be a bigger square, ठीक है। अगर आप इसका बात करो तो this would be an even bigger square, ठीक है। और अगर आप इस वाले का बात करो तो ये हो गया ये वाला स्क्वायर, ठीक है। तो एट द एंड आपका एमएससी क्या कर रहा है, वो इन सारे स्क्वायर्स के एरिया को जोड़ रहा है और उसको मिनिमाइज करने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो जब आप एमएससी के ऊपर काम करोगे तो ये भी आपको एक नंबर ही देगा, और द होल आइडिया विल अगेन बी कि उस नंबर को कम से कम करना है, ठीक है। दैट इज वॉट एमएससी इज, ठीक है। फिर से अगर हम बात करें इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में, तो एडवांटेज बहुत क्लियर ये है कि आप इसको लॉस फंक्शन की तरह यूज कर सकते हो, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है, दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिट विद एमएससी, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि आपका जो नंबर आता है फाइनली जब आप एमएससी कैलकुलेट करते हो, तो वो जैसे आपके पास एक्स और वाई में डेटा है, एक्स आपका सीजीपीए है, वाई आपका पैकेज है LPA में, तो अगर Y का यूनिट LPA है तो आपके MSE का यूनिट LPA का स्क्वायर होगा, तो इसको इंटरप्रेट कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है नॉर्मली। मतलब अगर आपका लॉस आ रहा है 11.25, तो आपसे कोई पूछे लॉस कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे 11.25, तो सामने वाले को इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि अच्छा LPA में इसका मतलब हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 11.25, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। But anyways, people use this a lot.
ठीक है, इसका एक और डिसएडवांटेज है कि ये आउटलायर्स को बहुत ज्यादा पेनलाइज कर देता है. मतलब अगर आपके पास कोई पॉइंट है लेट्स से यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर और ज्यादा बड़ा हो जाएगा. ठीक है, कोई पॉइंट अगर और नीचे है तो उसका स्क्वायर और ज्यादा बड़ा हो जाएगा. तो जो लॉस फंक्शन है वो बहुत पेनलाइज करता है आउटलायर्स को, और फिर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आउटलायर के ऊपर आने लगता है. ठीक है, तो बेसिकली इन शॉर्ट, नॉट रोबस्ट टू आउटलायर्स. ठीक है, ये इसका एक प्रॉब्लम है. ठीक है, ये प्रॉब्लम एमएई में नहीं था. तो वही मैंने जैसा आपको शुरू में बताया कि अलग अलग मेट्रिक्स इसलिए एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज आपके पास अलग अलग टाइप का डेटा है. अगर डेटा में बहुत ज्यादा आउटलायर्स हैं तो यू शुड गो विथ एमएई, अगर कम आउटलायर्स हैं तो यू शुड गो विथ एमएसई. ठीक है, तो ये हो गया एमएसई. नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस आरएमएसई. ठीक है, सो आरएमएसई बस इसलिए आया क्योंकि आप नाम से भी समझ में आ रहा होगा, आरएमएसई इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एमएसई. मतलब कि रूट ओवर ऑफ सिग्मा आई इज इक्वल टू वन से एन वाई आई माइनस वाई आई हैट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन. दिस इज आरएमएसई. इसकी सारी प्रॉपर्टीज जो है वो बिल्कुल मीन स्क्वायर्ड एरर की तरह ही है. इसका भी ग्राफ डिफरेंशिएबल है, आप डिफरेंशिएट कर सकते हो. बस इसका एक जो मेन बेनिफिट है वो ये है कि आपका जो आरएमएसई जो आउटपुट आता है ये सेम यूनिट में होता है एलपीए, जैसे आपका वाई है एलपीए में, क्योंकि आपने स्क्वायर रूट कर दिया तो वो इंटरप्रिटेशन थोड़ा इजी हो जाता है. और इसका भी डिसएडवांटेज यही है कि दिस इज नॉट दैट रोबस्ट टू आउटलायर्स, ये इसका एक डिसएडवांटेज है. ठीक है, सो ज्यादातर लोग आरएमएसई यूज करते हैं, स्पेशली अगर आप डीप लर्निंग में घुसोगे तो आरएमएसई बहुत यूज होता है, सबसे ज्यादा इनफैक्ट आरएमएसई यूज होता है. बट देयर आर सर्टेन सिनेरियोस जहां पे आप देखोगे एमएससी और एमएई भी यूज हो रहा है. ठीक है, सो आपको क्या करना चाहिए, आपको ये तीनों कैलकुलेट करके देख लेना चाहिए साथ ही साथ, बिकॉज सिंस यू आर बिगिनर्स शुरू में समझ में नहीं आता कौन सा मेट्रिक आपको ज्यादा हेल्प करेगा. और जब आप डीप लर्निंग जैसे सिनेरियो में काम कर रहे हो, मतलब डीप लर्निंग में अगर आप काम कर रहे हो, तो वहां पे ही थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि एट द एंड आपको कोई एक मेट्रिक को पकड़ के उसको मिनिमाइज करना होता है, क्योंकि सारे लॉस हैं, आपको सारे एरर्स को रिड्यूस करना है. तो वहां पे क्या होता है कि आप सबको साथ में रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि आप एक को रिड्यूस करने जाओगे तो दूसरा बढ़ने लग जाता है. तो वहां पे आइडेंटिफाई करना कि कौन सा मेरे लिए सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है. बट एनीवेज, इस पॉइंट पे सिंस यू आर बिगिनर्स, आप कभी भी किसी भी डेटा सेट के ऊपर काम कर रहे हो, रिग्रेशन अप्लाई कर रहे हो, आप सिंपली क्या करो, तीनों निकाल के देख लो. ठीक है, सो ये तो तीन हो गए आपके लॉस फंक्शंस, या एरर फंक्शन बोल सकते हो आप इसको, जो कि बताता है कि कितनी गलती हो रही है. अब हम मूव करते हैं दो नई चीजों के ऊपर, आर टू स्कोर बोलते हैं, जो ये बताता है कि आपका मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, और वो एक एब्सोल्यूट सेंस में बात होती है कि हाँ भैया इतना अच्छा है, उसको उस नंबर को सुन करके आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा है या बुरा है. जैसे एमएससी एमएई ये नंबर्स कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करते हैं. जैसे कि अगर आपका 1.5 एलपीए है तो ठीक है. ठीक है, वही अगर आपका कोई और सिनेरियो होता, लेट्स से कि आपका स्टीयरिंग एंगल कितना है, 1.5 का एरर आ रहा है वाइल क्रिएटिंग अ सेल्फ ड्राइविंग कार, तो यू वुड बी लाइक नहीं इतने में एक्सीडेंट हो सकता है, राइट. तो ये कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है. वेयर एज आर टू स्कोर जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. मतलब अगर आप यहाँ पे बोल रहे हो कि मेरा आर टू स्कोर 0.72 है, तो वो एब्सोल्यूट टर्म्स में 0.72 अच्छा है. ठीक है, तो वो हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में आर टू स्कोर क्या होता है. नेक्स्ट, सो गाइज, आर टू स्कोर समझने के लिए हम लोग फिर से एक डेटा सेट का एग्जाम्पल ले रहे हैं, एंड वी विल टेक द सेम डेटा सेट जो हम अभी तक कंसिस्टेंटली यूज कर रहे हैं, दैट वी हैव सी जी पी ए एज आवर इनपुट कॉलम एंड पैकेज कितने का लगा एज आवर आउटपुट कॉलम, और ये वैल्यूज एलपीए में है. ठीक है, हमारे पास मान लो 100 स्टूडेंट्स का डेटा है. अब आई विल एक्सप्लेन आर टू स्टोर क्या होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, अगर आपके पास मान लो सीजीपीए का वैल्यू नहीं होता स्टूडेंट्स का,
बस आपके पास ये वैल्यू होता कि उनका पैकेज कितने का लगा है। और फिर अगर आपसे कोई पूछता कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ, बताओ मेरा जब प्लेसमेंट होगा तो मेरा पैकेज कितने का लगेगा, तो आपके पास क्या ऑप्शन होता? आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता कि पास्ट में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स जिनका भी प्लेसमेंट हुआ है, उन सबके पैकेज का आप मीन कैलकुलेट कर देते और वही आंसर आप बता देते, लेट्स से 3.4। तो आपसे आके कोई भी पूछता कि बताओ मेरा प्लेसमेंट कितने का होगा, 3.4 LPA, राइट? तो मतलब अगर डेटा कुछ ऐसा है, इस तरीके से अगर हमारे पास डेटा है, तो वर्स्ट केस सिनेरियो में यहाँ पे आपका LPA में पैकेज है और यहाँ पे आपका CGPA है, तो वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर आपको बताना होता कि पैकेज कितने का लगेगा, तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास था ये मीन वाला लाइन, मतलब दिस इज वाई मीन, दिस इज वाई मीन, राइट? बट आप ऐसा नहीं करते हो क्योंकि आपके पास CGPA का ऑप्शन है, मतलब आपके पास एक इनपुट है जिसके ऊपर आपका आउटपुट डिपेंड कर रहा है, तो आप उसका हेल्प लेते हो। और आप हेल्प कैसे लेते हो? आप एक रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करते हो, यही तो करते हैं हम लीनियर रिग्रेशन में, आप एक रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करते हो और ये रिग्रेशन लाइन इज द प्रिडिक्शन, दिस इज द मॉडल। सो आप यहां से कोई भी स्टूडेंट का CGPA बताते हो और उसका कॉरस्पॉन्डिंग आप LPA पैकेज बता सकते हो, ठीक है? अब R2 स्कोर जो होता है वो ये बताता है कि ऑब्वियसली आपके पास जो सबसे खराब ऑप्शन था वो था कि आप सिंपली मीन वैल्यू कैलकुलेट करके दे दो, और आपके पास जो अच्छा ऑप्शन है कि आप लीनियर रिग्रेशन लगाओ और फिर प्रिडिक्शन करो। तो आप क्या करते हो, जब आप R2 स्कोर कैलकुलेट करते हो तो यू कंपेयर कि आपका लीनियर रिग्रेशन वाला लाइन आपके मीन वाले लाइन से कितना बेटर है, दैट इज व्हाट यू कैलकुलेट। R2 स्कोर यही होता है। R2 स्कोर का नाम कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन भी है, और इसको कभी कभी लिटरेचर में गुडनेस ऑफ फिट भी बोला जाता है, गुडनेस ऑफ फिट, ठीक है? और इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1 - SSR डिवाइडेड बाय SSM। सो SSR क्या है? SSR इज सम ऑफ स्क्वेयर्ड एरर इन द रिग्रेशन लाइन, और SSM क्या है? सम ऑफ स्क्वेयर्ड एरर इन द मीन लाइन, ठीक है? सो आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मीन लाइन ने जितनी भी एरर किए हैं, ये जितनी भी गलतियां की हैं, इनको स्क्वेयर करके ऐड कर देना होता है, दैट इज योर सम SSM, ठीक है? सो यू वुड राइट R2 स्कोर इज इक्वल टू 1 - मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय I इज इक्वल टू 1 से n YI - YI हैट का होल स्क्वायर फॉर द मीन वाला लाइन, दिस इज फॉर द मीन वाला लाइन, ठीक है? दिस लाइन। और सेम आपका यहाँ पे ऊपर आता है सिग्मा I इज इक्वल टू 1 से n YI - YI हैट का होल स्क्वायर फॉर द रिग्रेशन वाला लाइन, एंड दैट इज व्हाट R2 स्कोर इज, ठीक है? इन शॉर्ट समरी में आपकी मीन लाइन, जो आपका वर्स्ट आप कर सकते थे अगर आपके पास कोई डेटा नहीं होता, को आप कंपेयर कर रहे हो विथ योर रिग्रेशन लाइन कि आपके वर्स्ट के कंपैरिजन में आपका बेस्ट कितना अच्छा है, ठीक है? अब R2 स्कोर को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। सो अगर मान लो आपका R2 स्कोर 0 है, इसका क्या मतलब हुआ? लेट्स से आपका R2 स्कोर इज 0, इट मींस कि आपका ये वाला टर्म, ये जो पूरा टर्म है, दिस इज इक्वल टू 1, तभी तो 1 - 1 0 होगा। अब ये 0 कब होगा, ये 1 कब होगा? जब आपका रिग्रेशन लाइन जितनी गलती कर रहा है उतना ही मीन वाली लाइन भी गलती कर रहा है, या फिर बोला जाए कि मीन लाइन ने जितनी गलती की आपका रिग्रेशन लाइन भी उतना ही गलती कर रहा है। मतलब कि अगर ये ब्लू लाइन घूम करके रेड के ऊपर आ जाए तो आपका R2 स्कोर 0 हो जाएगा, मतलब आपके पास ये जो CGPA था इसके होने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आप एट द एंड जो वैल्यू दे रहे हो वो मीन कैलकुलेट करके ही दे रहे हो, तो CGPA का फायदा क्या हुआ? तो आपका मॉडल CGPA का फायदा उठा नहीं पा रहा है, तो बहुत ही खराब मॉडल है, ठीक है? तो R2 स्कोर 0 उस केस में होगा।
अब क्वेश्चन आता है कि R2 स्कोर 1 कब होगा, R2 स्कोर 1 कब होगा। R2 स्कोर को 1 होने के लिए ये जो पूरा टर्म है दिस शुड बी इक्वल टू 0, और ये 0 सिर्फ तभी हो सकता है जब आपका न्यूमरेटर ये वाला टर्म 0 हो जाए, और ये टर्म 0 होने का मतलब है कि आपका जो रिग्रेशन लाइन है वो कोई गलती ही नहीं कर रहा है, रिग्रेशन लाइन का कोई गलती ही नहीं है, सी ये सब कोई गलती ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये ऐसा लाइन है जो हर डेटा पॉइंट से होके गुजर रहा है, द परफेक्ट लाइन। ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, बट आई गेस आपको समझ में आ रहा है कि आप जितना परफेक्शन की तरफ मूव करते हो उतना आपका R2 स्कोर 1 की तरफ मूव करता है, और जितना आप खराब की तरफ मूव करते हो, मीन की तरफ मूव करते हो, उतना आपका R2 स्कोर 0 की तरफ मूव करता है। तो आई गेस आपको आपका नॉर्थ स्टार मिल गया। आपको R2 स्कोर कैलकुलेट करके ये मेक श्योर करना होता है कि आप 1 की तरफ जा रहे हो रादर देन गोइंग टुवर्ड्स 0। 0 की तरफ जा रहे हो मतलब बहुत खराब है, ठीक है। नाउ अ क्विक क्वेश्चन, थोड़ा सोचो और आंसर करने का ट्राई करो। व्हाट इफ मेरा R2 स्कोर इज नेगेटिव, बहुत रेयर होता है बट मैंने देखा है मेरे कुछ स्टूडेंट्स का R2 स्कोर नेगेटिव आते हुए ओवर द इयर्स, क्या ये पॉसिबल है? ऑब्वियसली ये पॉसिबल है। R2 स्कोर नेगेटिव होने का मतलब है कि ये जो रेशियो है आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, ये जो रेशियो है दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 1, और ये ग्रेटर देन 1 सिर्फ तभी हो सकता है जब आपका SSR as in sum of squared error for regression line is greater than SSM, या फिर आप उसको हिंदी में बोलना हो तो आपका SSR ज्यादा है SSM से, मतलब ये हुआ कि आपका regression line आपके mean वाले line से भी ज्यादा गलतियां कर रहा है। So apparently आपने कोई ऐसा line बना दिया है, आपने यहां पे line draw किया, तो obviously ये वाला जो line है ये आपके मीन वाले लाइन से भी खराब परफॉर्म करेगा, और फिर आपका R2 स्कोर वुड बी नेगेटिव। R2 स्कोर नेगेटिव आ रहा है, डूब के मर जाओ, मतलब उतना खराब नहीं आना चाहिए। 0 तक जा रहे हो फिर भी ठीक है, 0 के पास हो ठीक है, नेगेटिव में जा रहे हो मतलब आपने समझा ही नहीं अपने डेटा को, और किसी और टाइप के डेटा पे किसी और टाइप का एल्गोरिदम लगा दिया। वन एग्जाम्पल इज कि आपका डेटा इज हाईली नॉन लीनियर, लाइक योर डेटा इज हाईली नॉन लीनियर, और आपने उसके ऊपर लीनियर रिग्रेशन अप्लाई कर रखा है, तो उस केस में या आप बहुत खराब परफॉर्म करोगे और आपका नेगेटिव आ जाएगा R2 स्कोर, तो बट इट इज पॉसिबल, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और एक इंटरप्रिटेशन है R2 स्कोर का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो इंटरप्रिटेशन ये है कि लेट्स से मेरा R2 स्कोर इज कमिंग आउट टू बी 0.80, ठीक है 0.80, और मेरे पास जो डेटा है वो ये है CGPA और पैकेज कितने का लगा, और मेरा मॉडल जो मैंने ट्रेन किया उसका R2 स्कोर 80 आ रहा है। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये होता है, ये ध्यान से सुनना, कि आपका CGPA विच इज योर इनपुट कॉलम इज एबल टू एक्सप्लेन 80% ऑफ वेरियंस इन LPA वाला कॉलम, मतलब आपके LPA में डेटा वैरी कर रहा होगा, 1.5 किसी का पैकेज है, 4.5 किसी का पैकेज है, क्यों है, कोई तो रीजन होगा कि डिफरेंस क्यों आ रहा है ये पैकेज में, तो उसका 80% जो एक्सप्लेनेशन है वो CGPA दे रहा है, बाकी के 20% का क्या, वी डोंट नो, हमें नहीं पता कि वो बाकी का 20% वेरिएशन कहां से आ रहा है, ठीक है। अब अगर आप देखो एक और एग्जाम्पल, लेट्स से CGPA IQ और LPA, ये आपके पास डेटा होता और आपका R2 स्कोर अभी भी 80 होता, तो इसका मतलब ये होता कि LPA में जो वेरिएशन है, डेटा जो फैला हुआ है, उसका 80% एक्सप्लेनेशन CGPA और IQ मिलके दे रहे हैं, बाकी का 20% का एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं है, क्योंकि कुछ भी नेचुरल कॉज हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, इंटरव्यू अच्छा चला गया, या फिर वो बंदा इन जनरल सॉफ्ट स्किल्स उसके अच्छे थे, कुछ भी हो सकता है जो मैथमेटिकली हम गवर्न नहीं कर सकते, बट 80% का एक्सप्लेनेशन इज कमिंग आउट फ्रॉम CGPA एंड IQ, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको R2 स्कोर मिलता है तो उस नंबर को रीड ऐसे किया जाता है कि दिस अमाउंट ऑफ वेरियंस इन द आउटपुट कॉलम इज बींग एक्सप्लेन्ड बाय द इनपुट कॉलम्स, इसका यही मतलब है, ठीक है। एंड दैट्स इट, दैट इज वॉट R2 स्कोर इज। और अच्छी बात यह है कि ये एक जनरल सॉर्ट ऑफ
मेट्रिक है जो अक्रॉस डेटा सेट्स सेम तरीके का आपको इंटरप्रिटेशन देता है। अगर 80 है तो आप समझ जाओगे कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है, अगर 20 है तो आप समझ जाओगे कि हाँ अच्छा नहीं हो रहा है। इट डज नॉट डिपेंड कि आपका डेटा सेट क्या है, अनलाइक MAE, MSE और RMSE जहाँ पे डेटा का कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। R2 स्कोर में एक एब्सोल्यूट नंबर आपको डायरेक्शन दे सकता है कि आप कितना बढ़िया कर रहे हो वाइल्ड परफॉर्मिंग रिग्रेशन, ठीक है। सो ये हो गया R2 स्कोर। अब इसमें भी एक बुराई है, एक खामी है, वो क्या है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम पढ़ेंगे व्हेन वी विल स्टडी एडजस्टेड R2 स्कोर। सो नाउ लेट मी टेल यू कि R2 स्कोर में क्या प्रॉब्लम है। सी, R2 स्कोर इज अ गुड मेट्रिक, नो डाउट, बट इसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। द फ्लॉ इज दिस कि मान लो आपके पास एक डेटा है CGPA एज इनपुट एंड LPA एज आउटपुट, तो इस डेटा में अगर आप और ज्यादा इनपुट कॉलम्स ऐड करोगे तो आपका R2 स्कोर बढ़ने लग जाता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा अज्यूम किया जा सकता है कि जितने ज्यादा इनपुट कॉलम्स आप ऐड कर रहे हो उतना ज्यादा वेरियंस और एक्सप्लेन होगा। जैसे सिर्फ CGPA के साथ अगर 80 था, 0.80, तो मतलब आप 80% वेरियंस एक्सप्लेन कर पा रहे थे विद द हेल्प ऑफ CGPA। अब मान लो आपने एक और इनपुट कॉलम ऐड कर दिया बाय द नेम ऑफ IQ, तो अब ये बढ़ करके 90 हो सकता है, क्योंकि अब ये दोनों मिलकर के 90% वेरियंस LPA का एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो ठीक है, इस बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि अगर आप कुछ इररेलेवेंट कॉलम ऐड करो, जैसे कि टेम्परेचर, मतलब जिस दिन ये कैंडिडेट इंटरव्यू में बैठा था उस दिन टेम्परेचर कितना था। अब ऑब्वियसली ये इररेलेवेंट फीचर है, मतलब इसका कुछ इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए LPA के ऊपर, बट अगर आप इस तरह के कॉलम्स ऐड करते हो ना, तब भी क्या होता है कि कभी कभी R2 स्कोर बढ़ जाता है या फिर उतना ही रह जाता है, कायदे से उसको घटना चाहिए, बट हो क्या रहा है, या तो वो बढ़ जा रहा है या तो वो उतने पे ही रुका हुआ है। ये दोनों ही बिहेवियर अप्रोप्रिएट नहीं है। इसी को हैंडल करने के लिए आता है एडजस्टेड R2 स्कोर जो हम अभी देखने वाले हैं। सो पहले मैं आपको एडजस्टेड R2 स्कोर का फॉर्मूला बताऊंगा और फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन करके ये कंक्लूड करेंगे कि कैसे इस फ्लॉ को आप एलिमिनेट कर रहे हो। सो आपका जो फॉर्मूला होता है एडजस्टेड R2 स्कोर का वो ये होता है। आपका फॉर्मूला होता है वन माइनस R2 स्कोर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एन माइनस वन माइनस के। दिस इज द फॉर्मूला फॉर R2 स्कोर। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स को डिफाइन कर लेते हैं। R2 स्कोर आपका नॉर्मल R2 स्कोर है। एन इज नंबर ऑफ रोज, कितने स्टूडेंट्स का डेटा आपके पास है। के इज टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम्स, मतलब इनपुट आपके पास कितने कॉलम्स हैं। सो अगर आपके पास सिर्फ CGPA है तो K का वैल्यू 1 है, अगर CGPA प्लस आपके पास IQ है तो K का वैल्यू 2 है, अगर आपके पास CGPA प्लस IQ प्लस टेम्परेचर है तो K का वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला इस तरीके से डिजाइंड है कि ये R2 स्कोर के उस फ्लॉ को खत्म कर देता है। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ टू केसेस। सो द फर्स्ट केस इज जब हम कुछ ऐसा कॉलम ऐड कर रहे हैं जो उतना रेलेवेंट नहीं है, फालतू का कॉलम है, जैसे कि हमने टेम्परेचर कॉलम ऐड किया। अब जब टेम्परेचर कॉलम आप ऐड करोगे तो इस फॉर्मूले में क्या होगा कि आपका के जो है वो बढ़ जाएगा, दिस थिंग विल इंक्रीज, और इसके इंक्रीज होने से आपका ये जो पूरा टर्म है ये डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। आपका ये वाला टर्म तो कॉन्स्टेंट रहेगा, दिस टर्म विल बी कॉन्स्टेंट, क्योंकि आप नंबर ऑफ रोज में कोई चेंजेस नहीं कर रहे। आपका R2 स्कोर या तो थोड़ा बढ़ेगा या तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये इररेलेवेंट कॉलम है, मतलब कि ये जो पूरी चीज है ये या तो वही रह जाएगी, कांस्टेंट रह जाएगी, या फिर हल्की सी डिक्रीज करेगी, ठीक है। बट अगर ये हल्की सी डिक्रीज भी करेगी तो ये वाला डिक्रीज ज्यादा है। तो आप अभी के लिए मान लेते हैं जस्ट फॉर दिस डिस्कशन कि कोई इंक्रीज नहीं हुआ R2 स्कोर, तो ये ऊपर वाला जो पूरा टर्म है दिस विल बी कॉन्स्टेंट, दिस एंटायर थिंग विल बी कॉन्स्टेंट, बट मतलब न्यूमरेटर आपका कॉन्स्टेंट रह रहा है बट आपका डिनोमिनेटर डिक्रीज कर जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो पूरा टर्म है ये इंक्रीज कर जाएगा, राइट। न्यूमरेटर कॉन्स्टेंट है, डिनोमिनेटर छोटा हो गया,
तो जो ओवरऑल फ्रैक्शन है वो बड़ा हो गया, और बड़ा होने की वजह से जब उसको आप 1 से माइनस करोगे तो ये जो पूरा टर्म है ये छोटा हो जाएगा। इसका मतलब जो आपका एडजस्टेड आर टू स्कोर है वो डिक्रीज कर जाएगा। सो अगर आप कभी भी इस तरह का कॉलम ऐड कर रहे हो जो इररिलेवेंट है तो आपका एडजस्टेड आर टू स्कोर नीचे आ जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल जहां पे हम आई क्यू कॉलम ऐड कर रहे हैं, जो कि एक ऐसा कॉलम है जो रेलेवेंट है जिससे आपके एलपीए में चेंजेस आ सकते हैं। तो आप देखते हैं क्या होगा, फिर से आपका के बढ़ेगा और आपका ये पूरा टर्म नीचे आएगा, ये पूरा टर्म नीचे आएगा, ये वाला टर्म अभी भी कांस्टेंट रहेगा, बट अबाउट दिस टर्म, ये टर्म अब सिंस आर टू स्कोर बहुत तेजी से बढ़ेगा क्योंकि आपने एक रेलेवेंट कॉलम ऐड किया, तो ये जो पूरा टर्म है ये बहुत तेजी से नीचे आएगा, ये टर्म बहुत तेजी से नीचे आएगा, और इसका जो नीचे आने की बात है वो इससे भी ज्यादा तेजी से आएगा, मतलब इसमें जो डिक्रीज आएगा वो इसके डिक्रीज से ज्यादा है, राइट? तो अब क्या होगा, ये जो पूरा टर्म है ये भी नीचे जाएगा, और अगर ये पूरा टर्म नीचे जाएगा तो वन माइनस अगर आप कुछ भी घटा रहे हो तो ये वाला टर्म आपका बढ़ जाएगा, मतलब आर टू स्कोर जो एडजस्टेड वाला है वो बढ़ जाएगा। सो जैसे आपने कुछ रेलेवेंट कॉलम ऐड किया आपका आर टू एडजस्टेड भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत रिलायबल मेट्रिक बन जाता है, स्पेशली इफ यू आर डीलिंग विथ अ सिनेरियो जहां पे आपके पास इनपुट में बहुत सारा डेटा है, या फिर आप बोल सकते हो कि आप मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में काम कर रहे हो, तो वहां पे एडजस्टेड आर टू स्कोर निकालना इज अ गुड आइडिया। कायदे से आपको दोनों निकालना चाहिए, अगर आपको दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि आर टू स्कोर थोड़ा गड़बड़ कर रहा है और एडजस्टेड आर टू स्कोर इज मोर रिलायबल। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया, अब बस हम क्या करेंगे, एक कोड यूज करके ये सारे मेट्रिक्स उसके ऊपर ट्राई करेंगे। ठीक है, दैट विल डू नेक्स्ट। सो गाइज, आई हैव डिसाइडेड कि मैं वो सेम डेटा के ऊपर काम करूंगा जिसके ऊपर हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन वाला कोड किया था। सो इट्स द सेम पीस ऑफ कोड एक्चुअली, प्लेसमेंट वाला डेटा है, दो कॉलम्स है, सीजीपी हमारा इनपुट कॉलम है, पैकेज हमारा आउटपुट कॉलम है, और मैंने एक बार आपको दिखाया था कि ये डेटा कैसे अलाइंड है, सो यू कैन सी लीनियरली अलाइंड है डेटा, तो आप यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन अप्लाई कर सकते हो। हमने एक्स और वाई को एक्सट्रैक्ट किया, स्प्लिट किया ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा में, लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम को कॉल किया, ऑब्जेक्ट बनाया, मॉडल को ट्रेन किया, यहाँ तक तो आई गेस आपको याद होगा, और बिहाइंड द सीन्स दिस इज द लाइन जो लीनियर रिग्रेशन ने ड्रॉ किया है। अब हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि एम एस सी कितना है, एम ए कितना है, आर एम एस सी कितना है, आर टू स्कोर कितना है। सो बहुत सिंपल है एक्चुअली, एसकेलर्न में आपको बस फंक्शंस मिल जाते हैं, टू बी ऑनेस्ट ये इतना डिफिकल्ट है नहीं, अगर आप चाहो तो आप खुद से भी कोड कर सकते हो इन चीज़ों को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, बिकॉज आपको फॉर्मूला पता है, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट बिकॉज इट्स नॉट अबाउट प्रोग्रामिंग, इट्स अबाउट डेटा साइंस। सो विल फर्स्ट इम्पोर्ट, वी विल राइट फ्रॉम sklearn dot metrics import mean absolute error mean squared error and also r2 score। ये तीन चीजें हमने इंपोर्ट कर ली। अब इनमें से कोई भी चीज को कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है, आपको बस दो चीजें बतानी होंगी, आपका y test और आपका वाई प्रेड, मतलब आपके टेस्टिंग डेटा में प्रिडिक्शन क्या आया। तो कुछ करना नहीं हमें, हमें बस हमारे मॉडल को लेना है और प्रिडिक्ट कर देना है एक्स टेस्ट के रिजल्ट्स को। ये रहा, ये हमारे एक्चुअल डेटा है, 4.10 अगर मैं इसका वैल्यूज कैलकुलेट कर लूँ तो 3.89 उसका कॉरस्पॉन्डिंग 4.1, यहाँ पे 3.49, द प्रिडिक्शन इज 3.09। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ वाई प्रेड बोल के, लाइक दिस, और ये मेरा वाई टेस्ट है। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल फर्स्ट कैलकुलेट, आई विल राइट अ फर्स्ट प्रिंट आउट द मीन एब्सोल्यूट एरर, और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस इस फंक्शन को कॉल करना है, यहाँ पे आपको पास करना है वाई टेस्ट डॉट वैल्यूज, आई एम नॉट श्योर वैल्यूज देने की जरूरत होगी, शायद वो ऑटोमेटिकली हैंडल कर ले, और यहाँ पे आएगा वाई प्रेड
और ये रहा गाइस आपका 0.28, ये एलपीए के टर्म्स में, ठीक है। सो 0.28 एलपीए का ऑन एन एवरेज गलती कर रहा है मेरा मॉडल, ठीक है। सो ठीक है, मतलब अभी इस पॉइंट पे हमें पता नहीं है, द आइडिया इज कि आपको और रिड्यूस करवाना है इसको। लेट्स क्विकली कैलकुलेट द एमएससी, और उसके लिए आपको मीन स्क्वायर्ड एरर को कैलकुलेट करना है, और ये रहा 0.12, क्योंकि वो स्क्वायर है तो छोटा हो गया। लेट्स कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ दिस टू फाइंड आउट रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। रूट मीन स्क्वायर्ड एरर निकालने का डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, बट आप हमेशा एनपी डॉट एस क्यू आर टी फंक्शन में इस चीज को डाल सकते हो और आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। सो 0.34 आ रहा है, ठीक है। अगेन दिस वन इज ऑल्सो इन एल पी ए, दिस इज एल पी ए, दिस इज नॉट एल पी ए, ठीक है। एम ए एल पी ए में आ रहा है, आर एम एस सी एल पी ए में आ रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, लेट्स कैलकुलेट आर टू स्कोर। सो अगेन आई विल पेस्ट, और यहां पे हम लिखेंगे आर टू स्कोर, ठीक है। तो ये हमें एग्जैक्टली बताएगा कि हमारा मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है, एंड इट इज कमिंग आउट टू बी 0.78। बहुत एपिक नहीं है बट बहुत खराब भी नहीं है, ऑब्वियसली इसको इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सी जी पी ए कॉलम है यहाँ पे, ये 78% वेरियंस एक्सप्लेन कर पा रहा है आपके आउटपुट कॉलम में, दैट इज एल पी ए वाला कॉलम, ठीक है। अब अगर आपको कैलकुलेट करना है कि एडजस्टेड आटो स्कोर क्या है, एडजस्टेड आर टू स्कोर क्या है, तो बहुत सिंपल है। इट वुड बी, मैं काम करता हूँ, आर टू बोल के इस वेरिएबल में मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ लाइक दिस। और अब हम क्या करते हैं, हमारा जो एक्स टेस्ट है उसका शेप इज दिस 40.1। सो वी वुड राइट द फॉर्मूला इज दिस, दिस इज द फॉर्मूला 1 माइनस, सो वी वुड राइट 1 माइनस ब्रैकेट, फर्स्ट हम लोग न्यूमरेटर लिखेंगे, न्यूमरेटर में वी हैव टू राइट 1 माइनस आर टू, ठीक है। और इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ एन माइनस वन, सो एन इज 40 माइनस वन डिवाइडेड बाय एन माइनस वन माइनस के। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 40 माइनस 1 माइनस 1, क्योंकि हमारे पास एक ही इनपुट कॉलम है, दैट इज सी जी पी ए, एंड दिस इज द आंसर 0.77, वेरी क्लोज टू वॉट वी वर गेटिंग विथ अपना आर टू स्कोर, ठीक है। अब मैं एक चीज आपको करके दिखाता हूँ, मैं रैंडमली एक नया कॉलम ऐड करूंगा विच वुड बी रैंडम, उसका कुछ मीनिंग नहीं होगा, और मैं आपको दिखाऊंगा कि आर टू स्कोर बढ़ेगा बट आपका जो एडजस्टेड आर टू स्कोर है वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस, टू प्रूव माय पॉइंट, मैं दो अलग केसेस आपको करके दिखाऊंगा। सो पहले मैं अपने डेटा फ्रेम में चेंज कर रहा हूँ और मैं एक नया कॉलम ऐड कर रहा हूँ विच इज अ रैंडम कॉलम, ठीक है। और आपको मैं दिखाऊंगा कि उससे आपके आउटपुट कॉलम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और फिर हम आर टू स्कोर और एडजस्टेड आर टू स्कोर निकालेंगे, एंड यू वुड सी जो मैंने आपको बोला था वो निकल के सामने आ रहा है, ठीक है। सो यू कैन सी ये मेरा नया सेटअप है, मैंने एक नया डेटा फ्रेम बनाया अपने पुराने डेटा फ्रेम से, और मैंने एक नया कॉलम बनाया कंप्लीटली रैंडमली, मतलब कोई ऑर्डर नहीं है इसमें, ठीक है। और ये रहा मेरा नया डेटा फ्रेम। सो यू कैन सी अब मेरे पास दो इनपुट कॉलम्स हैं, सो देयर इज सी जी पी ए, देयर इज रैंडम अंडरस्कोर फीचर बोल के नया कॉलम विच इज नॉट एट ऑल रेलिवेंट टू पैकेज। इनफैक्ट आई कैन प्रूव यू, ये देखो जब मैंने ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन रैंडम फीचर एंड पैकेज, इट इज कम्प्लीटली रैंडम, देयर इज नो पैटर्न, ठीक है। सो अब देखो इस डेटा के ऊपर अब हम लोग दोबारा से एक्स वाई एक्सट्रैक्ट करके हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मारा, ठीक है, मॉडल को ट्रेन कराया, मॉडल को फिट कराया, और फिर हमने प्रिडिक्ट फंक्शन को कॉल करके वाई प्रेड कैलकुलेट किया, ठीक है। और ये करने के बाद जब मैंने आर टू स्कोर निकाला तो इट वॉज कमिंग आउट टू बी 0.78, ऊपर जो हमारा आर टू स्कोर था दैट वॉज
0.7807. सो एकदम रैंडम कॉलम ऐड करने पे भी यू कैन सी थोड़ा सा R2 स्कोर बढ़ा है, जो कि डिजायरेबल नहीं है. सो अब हमने क्या किया, जब एडजस्टेड R2 स्कोर निकाला इस नए R2 स्कोर के साथ, इट इज कमिंग आउट टू बी 76.9, घट गया. देखो हमारा जो एडजस्टेड R2 स्कोर था दैट वाज 77.49, और यहाँ पे घट के 76.93 आ गया. कंपनसेट कर दिया उसने, ठीक है, रिड्यूस होना चाहिए था, रिड्यूस हो गया. अब एक और सिनेरियो दिखाता हूँ मैं आपको, जहां पे मैं फिर से एक नया डेटा फ्रेम बना रहा हूँ, और इस बार मैं एक ऐसा कॉलम ऐड कर रहा हूँ जो जिससे फर्क पड़ेगा हमारे आउटपुट को, ठीक है. सो लेट मी शो यू, दिस इज द कॉलम CGPA IQ पैकेज, ठीक है. अब ये IQ इतना छोटा नंबर क्यों है, इसके ऊपर ध्यान मत दो, मैंने बस नाम रख दिया IQ, बट आई कैन शो यू कि आपका IQ के साथ आपका पैकेज काइंड ऑफ लीनियरली वैरी कर रहा है. सो यू कैन सी कि IQ से फर्क पड़ना चाहिए आपके पैकेज के ऊपर, ठीक है. तो अब मैंने क्या किया, फिर से सेम काम किया, मैंने एक्स और वाई एक्सट्रैक्ट किया इस नए डेटा से, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मारा, लीनियर रिग्रेशन का मॉडल क्रिएट करके उसको ट्रेन किया, और अपना वाई प्रेड कैलकुलेट किया, ठीक है. और अब जब मैंने R2 स्कोर निकाला, यू कैन क्लियरली सी कि बढ़ के 80 हो गया, क्योंकि होना भी चाहिए था, क्योंकि ये एक ऐसा कॉलम हमने ऐड किया है जिससे फर्क पड़ेगा हमारे आउटपुट कॉलम के ऊपर. और अब अगर मैं आपको एडजस्टेड R2 स्कोर निकाल के दिखाऊं, ये हल्का सा बढ़ गया है, 78.92, ठीक है. इतना हल्का सा बढ़ने का रीजन इसलिए है क्योंकि जब आप देखोगे मैंने डेटा कैसे जनरेट किया, तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये काइंड ऑफ डिराइव्ड है बाकी के दोनों कॉलम से. सो इसीलिए उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, बट आई गेस मैंने अपना पॉइंट कन्वे कर दिया कि एडजस्टेड R2 स्कोर आपको तब हेल्प करेगा जब आपके पास ज्यादा कॉलम्स हैं, और कई बार ऐसे कॉलम्स आप ऐड कर रहे हो जो बहुत इफेक्टिव नहीं है आपके आउटपुट को प्रिडिक्ट करने के लिए. उस तरह के सिनारियों में एडजस्टेड R2 स्कोर शुड बी यूज्ड, ठीक है. तो दैट्स इट, इतने ही. आपको अगर रिग्रेशन मैट्रिक्स अच्छे से याद रहे तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. व्हाट यू शुड डू इज, एक कोई प्रोजेक्ट उठा के लीनियर रिग्रेशन लगा के यू शुड फाइंड आउट दीज 5 मेट्रिक्स, इफ पॉसिबल खुद से कोड करने का ट्राई करो, ठीक है. दैट वुड बी इनफ, ये एक चीज पढ़ाना जरूरी था. नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय.